fine, guys. So, where is this? देखिए, जो जीरो कंडीशनल है इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं। कुछ ऐसा सोचो जिसको जिसका रिजल्ट आपको पता हो। कंडीशनल का मतलब यह होता है कि एक कंडीशन होता है और एक रिजल्ट होता है। यानी कि अगर मैं ये वाला काम करूंगा तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, बी निकलेगा। यानी कि जैसे कि एक लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया तो उसका रिजल्ट निकला कि लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये हुआ और ये उसका रिजल्ट हुआ। तो ये तो खैर हो गया, तो टेंस है। लेकिन कोई ऐसे सोचे कि भाई अगर तू प्रपोज करेगा ना वो तुझे रिजेक्ट कर देगी, ये कंडीशनल है। तो जीरो कंडीशनल का मतलब है कि आपको पहले से पता है कि सामने वाला आपको रिजेक्ट करेगा, आपको रिजल्ट पहले से पता है। अब किन किन हालात में आपको रिजल्ट पहले से पता है वो देख लीजिए। जैसे कि एक मिनट, रिजल्ट हमें यहां पे पता है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, यही है ना। तो अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंक देते हैं तो वो चीज क्या होगी भाई, कुछ देर बाद नीचे गिरेगी। यानी कि ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल हमें पहले से पता है, कोई हमें बता नहीं सकता, ये तय है। तो अगर मैं इसको फ्यूचर टेंस में बोलूं कि अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे फ्यूचर, वो नीचे गिर जाएगा फ्यूचर, तो हमें उस फ्यूचर के चक्कर में विल नहीं लगाना है, ये गलती हमें नहीं करनी है। यही जीरो कंडीशनल कहता है। एक मिनट, somebody is coming, बच्चे बहुत लेट आते हैं। ओके, सो आई वाज सेइंग कुछ ऐसा सोचो जिसका रिजल्ट पहले से तय हो कि ऐसा करोगे तो वैसा ही होगा। दो चार तो मुझे याद है जो पहले से तय है। एक ही बॉल फेंकने वाला हो गया, एक अगर बंदा यहाँ जी आग लगा दे और इस आग पे बर्फ को रख दे मान लो, तो बर्फ क्या हो जाएगी, पिघलने लगेगी। तो ये रिजल्ट भी सबको पहले से पता है। तो हम किसी को कहते अगर मैं बारिश में जाऊंगी तो भीग जाऊंगी। हाँ, अब जैसे बारिश में जाएंगे, अब कुछ तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसा ही होगा, और कुछ जो है वो जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ का मतलब है कि ज्यादातर ऐसा ही होता है। जैसे कोई बारिश में जाएगा तो ज्यादातर भीग ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम जीरो में ले सकते हैं। जैसे कि हाँ, ज्यादा चीनी डालेंगे चाय में तो वो मीठी हो जाएगी। हाँ, तो ये भी इसी में जीरो में आ जाएगा। सूरज की रोशनी में हम ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो हमारा चेहरा थोड़ा सा हो जाएगा बर्न हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो ये सब भी कुछ सच्चाई है। ये सारे सच्चाई जीरो कंडीशनल के अंदर आते हैं। चाहे जो मेट्रो का वो होता है ना, मेट्रो से कई लोगों ने सफर किया होगा, तो ऐसे आप टोकन यहाँ पर सटाते हो तो गेट खुल जाता है और आप चले जाते हो, है ना। तो मैं किसी को बोलूं कि जब तू यहाँ पर सटाएगा ना भाई ये खुल जाएगा, तो रिजल्ट हमें पता है कि खुल जाएगा। तो ये भी जीरो कंडीशनल में आ सकता है। हम ये नहीं बोले कि इफ यू टच इट विल ओपन, हम सीधा बोलेंगे इफ यू टच इट ओपन्स। तो कुछ ऐसा सोचो जो आपका रिजल्ट आपको पहले से पता हो कि यही रिजल्ट 99% आपको रिजल्ट वही हर केस में मिलेगा, तब तो वो जीरो है। लेकिन रिजल्ट आपको पता ही नहीं है कि कभी आम तो कभी इमली, फिर वो जीरो नहीं हो सकता है। तो ये बॉल फेंक कर गिरना ये तो 99 के तो 100% पता है कि ऐसा ही होगा। गर्मी से बर्फ पिघलेगी ये 100% पता है ना। और अगर मैं पानी रख दू सॉस पैन में और नीचे से आग लगाऊं तो जैसे 100 डिग्री पे पहुंचेगा बॉयल होने लगेगा, ये भी 100% पता है। ये तो प्योर वाला है, इसका तो 100% है। लेकिन सूरज से काला होना हो सकता है कोई ना होता हो, तो 99% मान लो। कोई बारिश में क्या पता किसी का स्किन ऐसा हो कि ना भीगे, हालांकि वही बात है। तो ये सब आपका जीरो कंडीशनल है। तो अब जीरो में आपको पता है कि हम फ्यूचर होते हुए फ्यूचर नहीं लगाएंगे। इस चीज को आज ही समझ लीजिए आप। किसी भी कंडीशनल में दो पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कंडीशन। और एक मिनट, कंडीशन। और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिजल्ट। तो अगर मैं
दोनों पार्ट का स्ट्रक्चर लिखूं, हम इफ लगाएंगे, इफ के बाद, इफ की जगह हम ये भी लगा सकते हैं कभी कभी, आपको पता है ना वैन की जरूरत भी पड़ती है, ये भी लग सकते yes, कई बार, तो कई बार आगे पढ़ोगे तो इन केस भी होता है, कभी सुना होगा ना इन केस, ऐसा भी हम लगा सकते हैं, बट आगे दिखा दूंगा मैं। इसके साथ आप लगाओगे क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगाना है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा रहता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कंडीशन है, रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद भी वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये दिक्कत है, अब ये बोलना इतना खराब लगता है ना कि लोग आजकल इसका इस्तेमाल नहीं करते, इन्होंने लोगों ने हटा दिया इसको। जैसे इफ यू थ्रो अ बॉल अप कॉमा इट फॉल्स डाउन, देखो दोनों बनकर तैयार हो गया। हम लोग हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी में सोचेंगे कि अगर तुम फेंकते हो, हम ऐसे हिंदी निकालेंगे ना, अगर फेंकते हो तो ये गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, लेकिन इसकी नॉर्मल हिंदी क्या है कि अगर फेंकोगे ये गिर जाएगा, ये इसकी नॉर्मल हिंदी है। तो सर ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्यों, अंग्रेजों को नहीं पता ना कि आप हिंदी में सोचोगे तो फ्यूचर की तरफ आप लोग सोच लेते हो, अंग्रेजों को नहीं पता, अंग्रेजों को इतना पता है कि जब जब ऐसा होता है तब तब ये होता ही है, ये सत्य है, और जो सत्य है जो परमानेंट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सूरज पूरब में उगता है तो उगता है ना भाई, समझ में आ रहा है, उगता है तो उगता है, ये जो सच्चाई है जो परमानेंट एक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे वो मुझे पसंद करती है तो करती है, नहीं करती तो नहीं करती, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा गया। तो आप सोचो कि अगर आप 10 क्या कह रहे हो, स्पीकिंग में बोलते हैं, स्पीकिंग में बड़ा कम ही लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग तो बोलते ही होंगे, उनको तो सब पता ही, स्पोकन इंग्लिश में मैंने बहुत कम देखा है। इसकी जगह लोग कंडीशनल फर्स्ट में इसी को बोल देते हैं कि भाई अगर तू फेंकेगा ना, इफ यू थ्रो अ बॉल अप भाई गिर जाएगी, इट विल फॉल डाउन भाई, इट विल फॉल डाउन, लोग ऐसे बोल देते हैं, और इनको कौन काट सकता है, कोई नहीं काटेगा। गलती करने वाले तो ऐसे ऐसे भी बोलते हैं, यहाँ भी विल लगा देते हैं, इट विल फॉल डाउन, और ये बोल करके जो उनको संतुष्टि मिलती है ना, उनसे पूछो, लगता है हाँ कुछ बोला है, वाह, उनको ऐसा लगता है, क्लाउड नाइन, हाँ एकदम क्लाउड नाइन होता है कि हाँ भाई ये फ्यूचर है, इधर भी विल लगाया, इधर भी विल लगाया, तो इसी को हम सीख रहे, तो इसको गलत माना जाएगा, ये सब गलत है आपका, लाल करते। तो अब आप क्या करना है ना, आप YouTube पे या कहीं Google पे ना कंडीशनल जीरो के ना सेंटेंस खुद ढूंढ लेना कि ऐसे कितने मार्केट में सेंटेंसेस है जहां पर आपको जीरो की जरूरत पड़ेगी। बारिश वाला भी जिन्होंने बोला है सही बोला है, आखिर जाएंगे तो भीग ही जाएंगे ना, तो भी सही बोला है। कोई मान लो कि 20 दिन तक खाना नहीं खाएगा तो शायद मर ही जाएगा, मतलब क्या लगता है रिजल्ट, ये कमजोर हो जाएगा, बीमार पड़ेगा। तो जो आपको लगता है कि ऐसा होगा, पक्का हो ही जाएगा, उसको तो जीरो में रखो। क्या बोले कि इफ यू डोंट ईट फूड, अगर तुम खाना नहीं खाओगे, इफ यू, एक मिनट इसको वाइट करते हैं, इफ यू डोंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डोंट डजंट आपको पता है ना, सब लगता है। तो इफ यू डोंट ईट फूड फॉर मान लो 10 दिन, 10 दिन नहीं 13 दिन, अन्ना हजारे ने 13 दिन तक नहीं खाया था, कुछ नहीं हुआ उनको, बराबर देख रहे हो, तो कुछ फिक्स नहीं है। 21 days, इफ यू डोंट ईट फूड 21 days, क्या लिखूं, यू वुड बी, यू वुड नहीं, यू विल बी फेटल, अरे जीरो में विल नहीं है ना, यू गेट, यू डाई, मान लो यू गेट डाई, You become feeble. बहुत कमजोर हो जाओगे, ये करके देख सकते हैं। सर फीबल क्या होता है, कमजोर, कमजोर, वीक, ओके जी,
तो मुझे लगता है इस पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है. ये जीरो है, जीरो को जीरो ही रहने दो, फर्स्ट की तरफ आते हैं. जीरो को ढूंढ लेना, सेंटेंस ढूंढ लेना, कंडीशनल कंडीशनल फर्स्ट. टीवी बंद कर दीजिए. देखिए गाइस, कंडीशनल फर्स्ट जो है इसमें चांस होता है. चांस जो है मतलब इसमें जो चांस है वो पॉसिबल है. यानी कि मान लीजिए आप यहां पर हैं, आपने देखा कि यहां पर क्लाउड है और ये डार्क सा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चांस है कि बारिश हो जाएगी. कहीं ना कहीं चांस है ना, ऐसा लग रहा है. अब आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि यार अगर बारिश होगी ना मैं तो छत पे जाऊंगा. अब आपने ये सेंटेंस बोला, अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो वैसे तो दोनों फ्यूचर है. बारिश होगी पता नहीं कब होगी, जाऊंगा फ्यूचर है. जिनको नहीं पता वो दोनों में विल लगाएंगे, वो ऐसे बोलेंगे कि इफ इट विल रेन, ऐसे बोलेंगे ना, इफ इट विल रेन आई विल गो टू द टेरेस पे जाऊंगा. तो यहां पर बाकी ठीक है, इधर विल लगाने को मना किया गया है, तो इस सेंटेंस को हम रॉन्ग मानते हैं. कंडीशनल फर्स्ट का मतलब है कि चांस है, लेकिन आप पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे. कैसे दिखाएंगे? If it rains, हाँ जी. If it rains, बाकी फ्यूचर में दिखाई. I will go to the terrace. Okay. जैसे कि अगर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, मतलब कहीं ना कहीं चांस है, क्या पता कर ले. कहीं ना कहीं कितना परसेंट चांस, मतलब इसमें परसेंटेज तो नहीं है, बस इतना रहता है कि हाँ आगे चल के आजकल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, चांस है. सर इसमें तीनों चीज रहती है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड एक्शन. देखते हैं, अभी तो हम एक्शन पे काम कर रहे हैं. देखते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो एक्शन है ना. ओके, एक्शन. यस, कि अगर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी तो करना एक एक्शन है ना. इफ शी एक्सेप्ट माय प्रपोजल तो मैं पार्टी थ्रो करूंगा. आई विल थ्रो पार्टी. ये चल, अगर वो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी तो मैं किसी और लड़की को ट्राई करूंगा. इफ शी रिजेक्ट माय प्रपोजल आई विल ट्राई अदर अनदर वन. आई विल गो फॉर अनदर गर्ल. इस तरीके से बोल सकते हैं आप. जब लगा सकते कि जब मुझे सैलरी मिलेगी, when I get my salary. मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा. I will buy something for you. ओके, जब मुझे आपकी याद आएगी. When I miss you, when I think of you, when I remember you, बहुत तरीके हो सकते हैं. When I think of you, या when I miss you, when I miss you, जब मैं आपको miss करूँगी, मैं क्या करूँगी? आगे result call करेंगे. मैं आपको call करूँगी. I will call you. I will call you. Sir, यहाँ पे can put कर सकते हैं क्या? Can code कुछ भी? I can, हाँ लगा सकते हैं. ऐसा कुछ में ऐसा मना तो नहीं है, लगा सकते हैं. बट इसमें आपको ज्यादातर विल ही दिखाई देने वाला है, क्योंकि इंसान विल ही बोलेगा कि मैं अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा. वो विल ही बोलेगा. मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कौन बोलेगा? सर ये भी हो सकता है, अगर राम आएगा तभी मैं उससे बात करूंगी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर राम आएगा तभी मैं बात करूंगी. If Ram comes, then I will talk to him. Ram comes,
हालांकि रिटन इंग्लिश में हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन आपने जो सेंटेंस बोला है ना, इसमें इतना एम्फेसाइज कर दिया है कि देन लगाना पड़ रहा है, देन और ओनली भी लगाना पड़ जाएगा. Then only I will talk. I will talk to him. I will talk to किसे? Talk to you. Then लगाना पड़ रहा है. सर ये भी चलेगा ना कि अगर वो मुझे रिजेक्ट करती है तो मैं क्या करूँगा? What will I do? तो वो डिप्रेशन में चला गया. If she rejects me, what will I do? If she rejects me. या पहले इफ लगा दो. इफ शी रिजेक्ट्स मी व्हाट विल आई डू. आप यहां से अगर किसी से राय मांगेंगे तो आप शुड भी लगा सकते हैं कि भाई मैं मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो मुझे कर देगी भाई, ऐसा भी कर सकते हैं. व्हाट शुड आई डू इफ शी रिजेक्ट्स मी. ओके यार, अगर उसको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा यार? इफ शी डजंट Like my gift. मैं क्या करूँगा यार? What will I do? कल रात डर लगा मंजू? हाँ सर लगा, सर बिल्कुल लगा. My God. Okay. और सोचिए, कोई सवाल सोचिए. अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. If you come here, I'll teach you. कोई question सोचिए, सवाल interrogative में कुछ सोचिए. अगर वो मुझे अगर बस टाइम पे नहीं आएगा तो कैसे जाऊँगी? अगर वो मुझसे पूछे कि कैसे जाऊँगी? बस टाइम पे नहीं आएगा. If bus doesn't come on time. अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो तू क्या करेगा? तो तू क्या करेगा सवाल ही तो है. ओके नहीं, जैसे डज इधर आ गया और सब्जेक्ट इधर चला गया, इस टाइप से. इफ वाले का तो नहीं बनेगा इंट्रोगेटिव, रिजल्ट वाले का बनेगा. सर मुझे पूछना है. हेलो, बोलिए. पूछिए. हाँ सर, करना क्या है कि कंडीशनल पे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है पूछने के लिए, तो इस पर आज थोड़ा सर क्वेश्चन कैसे बनाया जाए वो दो बता देते तो ज्यादा बेहतर होता. ठीक है, अगर इस पे हम मान लो कॉन्वर्सेशन करते हैं. हाँ सर, ये बहुत ज्यादा चीज है, या कहीं बात भी करते हैं तो कंडीशनल वाक आ जाता है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाता है. कॉन्वर्सेशन इन कंडीशनल फर्स्ट. यस सर. तो हम जब किसी से सवाल करेंगे तो हर बंदा पहले उसको एक सिचुएशन देगा, एक कंडीशन देगा, तो इफ करके ही देगा. तो मान लो मैं एक कंडीशन देता हूँ. अगर मैं वैक्सीन लेता हूँ तो कोरोना से बच जाऊंगा. नहीं, अगर कोई सवाल, पहले कोई सवाल पूछेगा. ये तो नॉर्मल आपने अपनी फीलिंग बता दी कि मैं लेता हूँ तो बच जाऊंगा. क्वेश्चन तो नहीं हुआ ना. मुझे चाहिए कि एक बंदा पहले क्वेश्चन करे और दूसरा बंदा उसका रिप्लाई करे, और दोनों हो कंडीशनल में. अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो? हाँ, तो ऐसे करो ना कि भाई अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो तू भाई मेरी हेल्प करेगा, ये थोड़ा सवाल टाइप हो गया. ओके, तो विल यू हेल्प मी. हाँ जी. तो इफ सपोज जंगल में जा रहे हो, बस खराब हो गया तो क्या करो? हाँ वही है, पुलिस वाला कर लेते पहले. तो इफ पुलिस, देखो पुलिस प्लूरल होता है तो हम अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट नहीं बोलेंगे. इफ पुलिस अरेस्ट मी, क्या तू अरेस्ट करेगा? कैच मी कर सकते हो. विल यू हेल्प मी. अगला है कि अगर क्या है, जंगल बने, जंगल से जाता खराब हो जाता है तो क्या करोगे? ओके, तो कोई बनाएगा कि इफ योर बस ब्रेक्स डाउन इन द व्हाट विल यू डू? जंगल अच्छा फॉरेस्ट. तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? डेंस क्या होता है सर? घना. ओके थिक. ओके थिक भी कह सकते हैं ना? थिक भी है. नो नहीं, मतलब थिक उसी फैमिली का तो आ गया. ज्यादा होगा ये घना और थिक तो अलग वन सर. सोनू कुछ एक रोमांटिक सा क्वेश्चन पूछो. रोमांटिक सा क्वेश्चन? ओह माय गॉड,
सर आप एक दो आप लोग लो क्वेश्चन, मैं थोड़ा सोचता हूँ थोड़ा मेरे साथ क्या क्या हुआ पूरा दिन। Okay, यदि वह तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम क्या करोगे? करेगा या करेगी? कोई भी हो सकता है। If, if she... he does, अच्छा। Accept your proposal. What will you do? What will you do? अगर वो छत पर नहीं आई तो? तो मैं कहाँ जाऊँगा? अगर वो छत पे जाएगा मैं कैसे बात करूंगी? तो मैं कैसे बात करूंगी? मैं नहीं आया तो अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा? If you fail, तुम क्या करोगे आप? कुछ What will you do? चार तो इसका जवाब जो हम देंगे वो future tense में ही देंगे ना? जवाब में भी हम ऐसे बोलेंगे कि अगर मैं fail हो गया, if I fail, पहले ऐसे बोलेंगे, if I fail, फिर I will करके बोलना पड़ेगा। I will try again. I will try again. If she doesn't accept my proposal. आगे सोचिए जो आप करेंगे, फ्यूचर लगाइए। ओके, आई विल ट्राई अनदर गर्ल। सर, आई विल ट्राई। मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये अच्छा लड़का है। आई विल ट्राई टू कन्विंस सर। क्या बात है। अगर उसके मम्मी कॉल उठाएंगे तो क्या बात करोगे? If her mother picks up the call, what will you talk about? किस बारे में बात करोगे? क्या बात करोगे मतलब? किस बारे में बात करोगे? या what will you say? अगर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें if you don't get a job, what will you do? तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? How will you survive? तो this is conditional first. Yes. समझ में आ रहा है थोड़ा? Yes. Okay sir. Thank you sir. अब ये action था, इसमें पोजीशन करके देखें। यस सर। यस यस सर। इसमें देखते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन कि अगर कल तुम्हारे पास पैसे होंगे, अगर कल तुम्हारे पास पैसे होंगे तो क्या तुम पिकनिक के लिए चलोगे? तो उसके लिए गाड़ी खरीदोगे? साड़ी गिफ्ट लोगे? खरीदो गे। सब गे पे ही खत्म हो रहा है। फाइन, सो कैसे होगा? If you have money tomorrow, क्या तुम खरीदोगे ना? Will you buy a gift? Will you buy a gift for her? Right. तो state of position में यहाँ पर आपको have लगाना है। If है, if के बाद subject. Have subject. What is going on? Yeah, it's very tough to type. Subject plus have या has. Has. बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास अगर कार होती तो मैं घूमने जाती, तो वहाँ पर हेड वो हेड वाला है ओके वो कंडीशनल सेकंड यहां फील। अभी हम सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ओके जैसे कोई बात कर रहा है आने वाले कल परसों के बारे में, जैसे कोई मान लीजिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ।
मतलब चित्र के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर एक लड़की है, ओके, अब यहाँ पर इसकी सहेली है। अब इसकी सहेली कह रही है कि जब तुम्हारे बालक होंगे, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तो क्या तुम मुझे उनके उनके साथ खेलने दोगी? इसको ये सवाल पूछना है। अब इंग्लिश में कैसे पूछेगी? सवाल है कि जब जब तुम्हारे बच्चे होंगे, क्या तुम मुझे उनके साथ खेलने दोगी? अब ये बिल्कुल फ्यूचर की बात है और इसमें चांस है, कलों की शादी होगी, बच्चे भी होंगे, चांस है ना, इस समय तो चांस दिखता है। तो अब ये कैसे पूछेगी? सोचो, अगर किसी के पास अभी बच्चा है तो बोलता है ना, आई हैव अ चाइल्ड, ऐसे बोलता है ना, तो फ्यूचर में, फ्यूचर में आपको पता है ना कि विल के साथ हैव लगता था, याद है फ्यूचर में? लेकिन हमारा रूल कहता है कि हम इसमें विल तो लगा नहीं सकते, तो हमें विल हटाना पड़ेगा, तो बचा क्या? हैव बचा, हैव बचा। तो क्या हम ऐसे बोले कि व्हेन यू हैव, व्हेन तो यहाँ पर हैव लगाना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत फ्यूचर की बात होगी। जब कल ऐसा होगा, मैं किसी को बोलू कि जब तुम्हारा कोई फ्लैट होगा, तुम्हारे पास जब कोई फ्लैट होगा, तो क्या तुम मुझे एक रात वहां पर रहने दोगी? तो when you have a flat, will you let me stay there overnight, या stay for one night, चलो stay there for one night। ऐसे हम फ्यूचर के सवाल पूछेंगे तो have लगाया जाए। एक्चुअली ना, जब जिस किताब में आप कंडीशनल पढ़ते हैं ना, कसम से कह रहा हूँ, किसी किताब में ना ऐसे लिखा नहीं कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो क्या सर, ये दिक्कत ये है, किसी ने ढंग से लिखा नहीं है। मेरे को तो आपकी वीडियो से नॉलेज हुआ इन सब के बारे में। इस चक्कर में ना बंदा इधर उधर भटकता है और कुछ हो नहीं पाता, तभी इतनी क्लियरिटी होगी इंग्लिश में। और मैंने ये सब झेला हुआ है, मैंने चाहता कोई और झेले। और कुछ सोचो, अगर दो साल बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो क्या तुम मुझे दे दोगे? कैसे होगा? इफ यू हैव मनी, लॉट ऑफ मनी आफ्टर, विल यू गिव मी आफ्टर 2 इयर्स, क्या तुम मुझे दे दोगे? विल यू गिव मी। तो ये है कंडीशनल, आपका कौन सा हो गया? ये स्टेट ऑफ बीइंग ही बताइए। इसमें स्टेट ऑफ बीइंग सोच के देखिए, यूज होता है स्टेट ऑफ बीइंग कि अगर वो कमरे में, अगर तुम कल कमरे में रहोगे तो फोन करोगे? हाँ, तो इफ यू आर है, लिख देता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग। सर एक ये भी चलेगा ना, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बनती है तो तू ऐसा भी, लेकिन इंसान बीमार होगी तो कल नहीं आएगी। हाँ, ऐसा करते हैं, अगर कल वो बीमार होगी, इफ शी इज इल वो नहीं आएगी, शी विल नॉट कम, नॉट कम, जरूरी है, यदि वो बीमार होगी तो नहीं आएगी। हाँ, तो हो तो गया, इफ शी इज इल शी विल नॉट कम। हाँ, तो टुमारो को जरूरी तो नहीं है ना, ना ना, ये तो कोई बात नहीं, तो मैं जानबूझ के लगा दिया कि लोगों को लगे कि हाँ फ्यूचर की बात हो रही। ओके, और कुछ सोचो, अगर तुम कल पार्क में होगी तो एक्सरसाइज करोगी? हाँ, हो सकता है, इफ यू आर, यू आर एट द पार्क, फिर क्या है, इफ यू आर एट द पार्क, मैं तुमसे मिलूंगा, है? सर, यदि वह मेरे साथ होगी तो मजा ही मजा होगा। मनोज, योर टीचर, अभी आपने बटुकनाथ का मैं नहीं बताया था कल,
टीचर को मजा नहीं हो सकता टीचर या टीचर को आप लोग क्या समझते हैं सबको नेचर मतलब ह्यूमन बीइंग है वो भी सर सर आई हैव वन क्वेश्चन सर इफ यू आर हंग्री यू कैन ईट एन एप्पल सर इसमें विल तो है नहीं सर क्या नहीं है सर इफ यू आर हंग्री यू कैन ईट एन एप्पल हाँ तो कैन भी लगा सकते हैं इसको बंदे ने कह दिया कि तुम खा सकते हो मतलब ये भी है कि इफ यू आर हंग्री अब इससे ना ये भी पता चल रहा है कि अगर तुम वाकई भूखे हो अभी अगर भूखे हो तो अलाउड है इसको ध्यान से देखिए यू कैन ईट एन एप्पल अब पता है इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना कैन आपको बताना पड़ेगा सबको पता है कि कैन चीज क्या होती है एबिलिटी पता नहीं क्या क्या कैपेसिटी लेकिन इनके साथ ना कैन एक और काम करता है कहीं पर अगर एक जनरल सी बात है कि आप अलाउड है जैसे मैं ऐसे बताता हूं जनरल अलाउड मतलब ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है जनरल की जगह जनरली लिख देना चाहिए था मुझे जनरली यू आर अलाउड कहने का मतलब है कि ये कमरा है अब इस कमरे में एक कुर्सी है ओके इस कमरे में मान लो कोई बॉल है इस कमरे में कोई तलवार है और आप इस कमरे में घुसते हैं और ये एक अलाउड है कि आप जिसको भी चाहे हाथ लगा सकते हैं किसी को भी छू सकते हैं ये पहले से अलाउड है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये अलाउड है yes, यानी कि परमिशन मिला हुआ है तो मैं किसी को कह सकता हूं अरे चिंता मत करो यू कैन टच इट यू कैन सिट ऑन दिस चेयर मैं वहां पर कैन लगाऊंगा इस कैन का मतलब ये नहीं कि आपकी पावर को दिखा रहा हूं और आपकी एबिलिटी को जी नहीं इस कैन का मतलब है कि ये चीज पहले से अलाउड है अगर आप चाहो तो आप बैठ सकते हो यू आर अलाउड टू सिट नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू ये भी कैन करता है इसीलिए हम कई बार जैसे ये एक कमरा है आपके घर में कोई मेहमान आया और आप कहते हो ना यू कैन स्लीप हियर कभी देख लेना आज माँ के कभी देख लेना यू कैन स्लीप हियर यू कैन सिट हियर इट मींस साउंड आ रहा है सर तो अब नहीं कर थोड़ा साउंड बंद करो ओके व्हेन यू से कि यू कैन स्लीप हियर यू कैन सिट हियर इट मींस यू आर फ्री टू सिट यू आर फ्री टू एंजॉय दिस यू आर अलाउड यू आर परमिटेड ये परमिशन गारंटेड को दिखाता है कैन तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ यू आर हंग्री का मतलब हम ऐसा अंदाजा लगा रहे कि अगर वाकई तुम अभी भूखे हो तो यू आर अलाउड टू ईट एन एप्पल इस कैन का मतलब क्या है अलाउड खा सकते तो इसलिए इसको आप कंडीशनल कह के भी अजीब है मतलब फर्स्ट में होके भी नहीं समझ रहे हैं सर वॉइस इज कमिंग कितना वॉइस आ रहा है यार क्या हो रहा है बंद कीजिए ये समझ में आया कि नहीं आगे बढ़े यस सर गॉट इट सर 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 आप वो बता दो ना कि जब अगर कल तुम कमरे में रहोगे तो ऐसा अगर फीलिंग आता सर कैसे इफ यू बी सर नहीं इफ यू आर इफ यू आर योगा If you are in the room tomorrow, फिर क्या है मैं क्या करूँगा? मैं मिलूँगा तुमसे. Yes. I will meet you. B वगैरह यहाँ नहीं आएगा. ये normal आपको यही EZRM वाला family लगाना पड़ेगा. इसकी जगह कुछ चीजें ऐसे लगा सकते हैं. अपने नाम सुना है? Remain सुना है? ये तीन ऐसे आइटम है इनको हम कहते हैं ना इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इन स्टेट एक होता है कंटिन्यूटी इन स्टेट एक होता है चेंज इन स्टेट के अंदर आता है आपका गेट बिकम ये स्टेट को बदल देता है रिमेन स्टे ये सब कंटिन्यूटी को दिखाता है मान लीजिए कि कोई लड़का है मैं ऐसे बताता हूँ समझ में कैसे नहीं आएगा ये एक लड़का है ये लड़का उदास है सैड है इस वक्त इसका स्टेट ऑफ बीइंग है कि सैड है तो हम कहते हैं ना ये सैड है ही इज सैड अगर मैं बोलूं कि कल तक अगर ये उदास रहा ना तो भाई तू डॉक्टर को बुला लेना
तो यानी कि उदास कल तक रहा, मतलब अभी उदास है और अब से कल तक कंटिन्यू रहेगा, यानी कि अगर अब से लेकर कल तक, आने वाले कल तक इसकी कंटिन्यूटी रहेगी उदासी का, तो हम वहां पर इज रिमेन, इफ ही रिमेन्स सैड हम ये लगा सकते, इफ ही स्टेज सैड, इफ ही कीप्स सैड, जैसे जैसे एक बंदा चुप है तो हम उसको बोलते हैं ना क्वाइट, क्वाइट का मतलब तो शांत, वो शांत है और हम इसके आगे लगा देते हैं कीप, कीप क्वाइट यानी कि तुम शांत हो, शांत ही रहो, इस कीप का मतलब है कंटिन्यू रखो, कीप मतलब इस शांत वाली अवस्था को ना कंटिन्यू रखो, कीप क्वाइट, कभी सुना है कीप क्वाइट? यस सर, हाँ, तो बोलते समय तो कुछ अंदर का मतलब समझा नहीं, बोल दिया, बट इसका मतलब ये है कीप मतलब कायम रखो, क्वाइट का मतलब उस अवस्था को, चुप चुप वाली अवस्था को कायम रखो, जैसे मान लो कि कोई बंदा बात कर रहा है, यानी कि उसकी चल रही है टॉकिंग, टॉकिंग टॉकिंग चल रही है, अब मैं कहता हूँ कीप टॉकिंग, कभी सुना होगा कीप टॉकिंग, यानी कि इस टॉकिंग को कायम रखो, कीप मतलब कंटिन्यू रखो, कौन भाई कीप टॉकिंग सर, कीप डूइंग भी बोलते हैं, कीप डूइंग, और हम कीप के बाद किसी चीज को इशारा करके इट कर सकते हैं, कीप इट, और अप का मतलब है कि मेंटेन रखो, कीप इट अप, जिस लेवल पे है उसी लेवल पे रखो, कीप इट अप, बड़े कीप इट अप, तो ये सब कंटिन्यूटी को दिखाता है। यस सर, तो ये सब कहानी है, तो अगर मुझे बोलना है कि अगर वो कल तक वो खुश रही, खुश रही, okay. खुश रही या खुश होगी तो वो तुम्हें प्रपोज करेगी, चाहो तो टिल टुमारो बाय टुमारो भी लगा सकता हूँ, बाय टुमारो भी लगा सकते हैं, कल तक बाय टुमारो शी विल प्रपोज यू, हो गया, ये है। और अगर मैं इसमें स्टेट ऑफ वो चेंज लगा दूं कि अगर कल वो खुश हो गई तो मैं क्या बोलूंगा, इफ शी गेट्स हैप्पी टुमारो, वो तुम्हें भाई प्रपोज करेगी, शी विल प्रपोज यू, ये कहानी है जी। मुझे लगता है कि आज आप लोग ना कंडीशनल फर्स्ट ही सीखो, ज्यादा अच्छा है। थोड़ा ना आप लोग बातें कर लीजिए एक दूसरे से, उसके बाद मैं इस वीडियो को ना, हालांकि रिकॉर्ड हो गया है, मैं इसको जमा करके रखूंगा, जिस दिन सारे कंडीशनल खत्म होंगे ना मैं इसको अपलोड कर दूंगा। यस सर, इसको रखूंगा, क्योंकि फाइल ये ग्रुप में भेज देना सर। इस वीडियो में ना मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया जो मैंने पहले किसी बैच में नहीं पढ़ाया, जैसे इसमें पोजीशन भी बता दिया, इसमें स्टेट ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी वाला बताया, तो ये मैंने किसी और बैच में नहीं बताया, तो मुझे खुद ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। फाइन, मैंने भी रिकॉर्डिंग कर लिया सर, टोटली। एक्चुअली कहीं लिखा था ना कि जो टीचर होता है ना वो समुद्र की तरह है, और आप कितना लोटा पानी निकालते हो आपके ऊपर है, समुद्र नहीं कहेगा कि निकाल लो, आपको निकालना, पूछ के कोई नहीं सर, अब हम लगे रहेंगे। सर आपने वो दो घंटे वाले अपलोड किया था ना सर, उसमें ये चीज नहीं था, ये नहीं, दो घंटे वाले जो मैं भी आज नोटिस कर रहा हूँ, ये अचानक हो गया। फाइन, मैं लिख देता हूँ कंडीशनल सेंटेंस क्या है, ये 8 PM बैच है ना, 8 PM बैच। सर आई आल्सो नॉट फाउंड एन दिस थिंग इन योर वीडियोस, ठीक है, थोड़ा सा सर आई आज थोड़ा सा बतिया लीजिए, आप लोग पूछिए सवाल, सवाल आप कंडीशन इंग्लिश में पूछिए, पहले मंजू से पूछिए, क्योंकि मंजू को ही कंडीशनल में ज्यादा दिक्कत है, और ये तो खैर इसमें तो कुछ खास नहीं, ज्यादा दिक्कत आएगा कंडीशनल सेकेंड और थर्ड में, वो खतरनाक। यस यस मंजू, इफ यू रिमेन्स, इफ यू रिमेन गेट कंफ्यूज्ड, देन व्हाट विल यू डू? रिमेन कंफ्यूज्ड होगा ना, या तो गेट लगाओ या रिमेन लगाओ, रिमेन का मतलब कंफ्यूज अभी भी हो और रहोगे, और गेट का मतलब अभी नहीं हो लेकिन हो जाओगे, स्टेट में चेंज। Yes. Okay, if I get confused, only confused. Okay, if I remain confused, I will not take any decision. If you have time, what will you do? What will you do? Okay, if I have time, I will learn English.
Okay, if you study hard, what will you do? If I study hard, I will become a teacher. If your daughter doesn't eat, what will you do? If my daughter doesn't eat, I will allow her to watch cartoon, then she will eat. If you are in beautiful park, what will you do? I will, if I am in beautiful park, I will capture all what scene in camera. When you learn English, where will you use it? Okay, if I learn English, I will teach another one. If you go outside with your friends and they decide to watch horror movie, what will you do there? Okay, if I go outside with my friends to watch a horror movie, I will try to watch. If you learn English, you will speak with your husband? Okay, if I learn English, definitely I will speak with my husband. If you have money, what will you do? If I have money, I will go to the parlor. What will you do in parlor? I will get facial, manicure, pedicure, waxing. Do you know, Manoj bhai, meanings of all these words? Okay, Google it. Pedicure is related to feet, na? Yes. Sir. Manicure, like nails, wagera, sab kuch aata. Yes. If you are in the park, what will you do? If I am in the park, I will enjoy over there. Give some romantic situations. If you get proposed by someone, what will you do? Okay, if I am proposed by someone, I will deny it. No, the person is so handsome and good looking. He has nice personality. After that, I will not accept. Because I am married. If you have lot of money, what will you do? Okay, before I have told that I will go to the parlor. If you are alone at home, what will you do? If you are alone. Achha, if I am alone at my home, I will listen some God songs. Devotional song. If you don't eat pizza, what will you do? Okay. If I don't like eat pizza, then I will order chili potato. If you are with friend, what will you do? What? With friend. Okay. If I am with my friends, I will go to for outing. If you see your husband with someone, how will you manage it? Okay, if I see my husband with someone, okay? How will you manage it? Yes. Okay, with someone means? Girl. Anyone. Kisi ke saath. Okay, girl. Okay. Pretty girl. Okay, and I will wait for him, let him come to me, and then I'll ask. Who was she? If your husband see you, what will you do? Okay. If my husband see me with another guy, I will make him understand. If your husband has a girlfriend, what will you do? I will kill him. Oh my God! If you get a power, what will you do? Power, like supernatural power. Yes. Okay. I will I will learn English. I help people. Yeah. Okay. Yes. Sir, jahan pe remains confused hota hai, wahan pe confused ho gaya ya sir confused ho? Confused. D aayega. Yes. Kyunki adjective chahiye na hame wahan.
यस सर। If you remain silent in the class, मंजू आप वही हैं जो मैसेज पहले कमेंट में आता था कि I want to join class, I want to join, वही है ना? Yes, 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 sir. और आप पहले बहुत सारे sentences भी लिखती थी कुछ पूछने के लिए। हाँ सर, आप reply नहीं करते थे। मैं 6 महीने से ट्राई कर रही हूँ, मतलब 3 महीने से, 3 महीने मैंने कंटिन्यूस आपकी वीडियोस देखे, उसके बाद 3 महीने से मैंने ज्वाइन करने के लिए मैसेज डालती थी, बट आपका रिप्लाई बहुत लेट आया सर, नवंबर में। सर आई एम लकी वन। सर यू बाइंड अप इन फेब्रुअरी, गुस्सा है सर आपसे। सर यू बाइंड अप इन फेब्रुअरी इज रियल? ऑलमोस्ट मींस 99%। ओ माय गॉड सर, इज 99 सर, 1% होप। सर तुसी मत जाओ, हमारे क्या होगा? यस सर, हम देख रहे हैं आप लीव इन द लास्ट। बट अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे लर्नर हो, आप अच्छे अच्छा सीखते हो। सर वी आर इन मिडिल सर, डोंट डू लाइक दिस। फुल जनवरी, फुल फरवरी, हमारी नैया डूब जाएगी सर, बीच में छोड़ के जाओगे? नहीं नहीं, यस सर, हम बेसहारा हो जाएंगे। बट आई एम बिगनर सर। पांच छह थिंक अबाउट अस आल्सो सर, इस पे ना जो पांच छह चीजें, इस पे बिल्कुल कमांड कर लीजिए। टेंस, पैसिव, कंडीशनल, कॉजेटिव और हैव टू, हैज टू की लिस्ट, और कोई एक होगा पैसिव, शायद पैसिव। सर कैन आई स्पीक समथिंग सर? बोलो। If guys, if you want to command on these things, you can't command without watching Chandrasan blogs, because there Chandrasan use lot of passive and causatives. So by this way, we can learn easily. Blogs for situational English, वो भी ठीक है. Okay. I mostly make. चलो. Yes, sir. This is true, sir. I got it. मतलब कहीं भी मैं जाता हूँ तो वो situation होता है. Yes, sir. उस वक्त हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे हम किसी चीज को बताएंगे, इसलिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ। By grammatically we can't speak sir, but when we see you, when you speak situationally, then we easily grasp. Fine guys, is it visible? Yes sir. Yes sir. Okay. Good evening sir. So we have conditional second. Audio off please, जहाँ से शोर आ रहा है। First of all, let me tell you, conditional second means unreal. यहाँ पर मैं unreal इसलिए कह रहा हूँ कि chance इसमें यूं कहा जाता कि no chance. Conditional first आपको याद है ना, मैंने कहा था कि chance है थोड़ा सा, इसमें chance नहीं होगा. नो चांस का मतलब यह है कि थोड़ी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ ऐसा आप सोचो, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक लड़की है, हियर देयर इज अ गर्ल। अभी लड़की कह रही कि यार अगर मैं लड़का होता तो क्या आपको ये रियल लग रहा है? ये अनरियल है ना, ये अनरियल। अब ये कैसे अचानक लड़का कैसे हो जाएगी? तो ये ऑलमोस्ट अनरियल है। अभी जाए बिल्कुल कुछ वो ऑपरेशन कराए, सेक्स चेंज कराए, वो एक अलग बात है, बट ये अनरियल है। तो कुछ ऐसा आपको सोचना है जो अनरियल हो। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि स्टेट ऑफ बींग से था कि यार अगर मैं एक लड़का होती, ओके अभी मान लो आप ऐसे मौसम में हो जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है और आप बोलो यार अगर बर्फ गिरने लगता या लगती, जो भी आप कहते हो, अगर स्नोफॉल शुरू हो जाता, तो बिल्कुल अनरियल है। आप ऐसे मौसम में हो जहां स्नोफॉल हो ही नहीं सकता है, और आप ऐसी जगह हो जहां हो ही नहीं सकता है और आप बोलो यार स्नोफॉल हो जाता, अनरियल है। तो कुछ आपको ऐसा ही सोचना होगा जो अनरियल हो। अगर आप कहते हो अगर मैं यार 5 करोड़ की लॉटरी जीत जाती तो मैं ये करती, जीत जाती कब? कल परसों रात को नहीं जीत जाती, आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो, आपने जीता नहीं, ना आपने कभी लॉटरी ली है, ना कोई चांस है, बिल्कुल अनरियल बात आप कर रहे हो, जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तब आप कंडीशनल सेकंड लगाओगे। एक मिनट, somebody is there. Fine.
तो अब देखते हैं क्या क्या, गुड इवनिंग, क्या क्या अनरियल हो सकता है। कंडीशनल सेकंड के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत फेमस है, इसका नाम है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आपको पता है सबके साथ क्या लगता है, वर लगता है, सबके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है देख लेते हैं। अब यहां पर ये लड़की है, ये लड़की भी प्रेजेंट टाइम में खड़ी है, तो आप हमेशा इसका ख्याल रखना कि आप हो प्रेजेंट टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में होकर के आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा होती, यानी कि आप ऐसा नहीं हो। आप क्या नहीं हो भाई, आप एक लड़का नहीं हो, और आप सोचो कि अगर मैं एक लड़का होती, ऐसा सोच रहे हो। आप मान लो कि पुलिस नहीं हो, यू आर नॉट अ कॉप, और आप सोच रहे हो अगर मैं कॉप होती। मान लो कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आप नहीं हो, और आप सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर होती, और आप दूर दूर तक आपका इलेक्शन से कोई लेना देना भी नहीं, कहीं से वो रियल नहीं है, बिल्कुल अनरियल है, और कोई चांस भी नहीं। थोड़ा सा भी चांस होगा तो हम कंडीशनल फर्स्ट की तरफ चले जाएंगे, चांस नहीं है तो आप आ जाओ कंडीशनल सेकंड के। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि जब आप कंडीशन लगाओगे इसके अंदर, तो इसका जो पहला पार्ट होगा उसमें आएगा इफ। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रामर कहता है कि सबके साथ भैया वर लगा दो। उसके बाद यहाँ तो वो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, तो यहाँ आप कुछ भी स्टेट ऑफ बीइंग का लगा सकते हो, चोर, डाकू, कुत्ता, बिल्ली, जो लगाना लगा दो। Somebody is coming, I think. Let me see. Anjali, don't be late. सॉरी सर, डेली आप लेट कर देते ना, इसीलिए लगा कि आज भी लेट होगा। ऐसा लगा अब मैं डेली लेट करता, बट आज मैं लेट नहीं आया ना। फाइन, सो गाइस ये हमारे स्ट्रक्चर है। अब इसको करके देखते हैं कि अगर मैं एक लड़का होती तो कैसे होना चाहिए। इफ आई वर अ बॉय, इफ आई वर अ बॉय, कैसे बोलेंगे। अगर मैं एक पुलिस वाली होती, पुलिस ऑफिसर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, प्राइम मिनिस्टर, दो प्राइम मिनिस्टर, अब जैसे कि यहाँ पर इसने वर बोला है, देखने में पास्ट लग रहा है, लेकिन क्या हम पास्ट की बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम तो प्रेजेंट टाइम में है, हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये खराब सा लगता है कि भाई ये सब कुछ पास्ट जैसा है तो लग रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा, है पास्ट लेकिन पास्ट नहीं है, देखने में पास्ट है। यानी कि ये देखने में मान लो कि ये शेर है, बट अंदर से भेड़िया है, यूं समझो। अब आप सोचो कि आप क्या क्या नहीं हो जो आप होने की तमन्ना करते हो, पहले हम इस पे काम कर लेते हैं। सोचो आप क्या क्या नहीं हो। If अगर, I were, if I were rich, अगर मैं अमीर होती या होता, if I were actor, if I were an actor, if I were a lawyer, if I were a thief, lawyer, if I were a thief. Yes. If I were a king. If I were a thief. चोर बना दो पहले यार, if I were a thief. If I were a queen. क्या होती? Cream. Queen. King. अच्छा queen. Okay. हाँ sir. भाई वाह. If I were a boss. या दो, अगर हम किसी एक खास कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जहां आपका बॉस है, तो आप दो बॉस लगा दो। If I were the boss, अगर मैं बॉस होती, मतलब वही बॉस जो वो है वो मैं होती। सर डायरेक्ट बॉस बोले तो रॉन्ग नहीं लगाना, ए या दो कुछ तो लगाना पड़ेगा। सर इफ आई वर मोनार्क, क्या मनोहर? मोनार्क, मैं सम्राट होता, अगर मैं सम्राट होता, राजा हो गया ना। इफ आई वर क्या मोनार्क,
सर अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हाँ, if I were your place, in your place, at your place, okay, अगर मैं तुम हो जाता, if I were you, about you, if I were you, अच्छा, okay, yes sir, अगर मैं ऋतिक रोशन होता, if I were ऋतिक रोशन, आ नहीं आएगा, if I were ऋतिक रोशन क्या था रितिक की स्पेलिंग ऐसे था ना कुछ अच्छा राइट टी एच हां सर एन नहीं आएगा गलत है आई थिंक सॉरी द एन आ गया ना हां इफ आई वर रितिक 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 आर ओ आई गेस आर ओ ये सर आर ओ ये बॉलीवुड स्टार ना ये एस्ट्रोलॉजर से दिखवा के ना एक एक स्पेलिंग एक्स्ट्रा लगवा लेते हैं हां सब कि मेरी फिल्म चल जाए कि स्पेलिंग एक्स्ट्रा लगा दो भाई हां कुशल मंगल हो सब ओके और सोचो जी तो ये आप होते अब मान लो कि आपको मैं एक सीन दिखाता हूँ जैसे कुछ लड़कों को मैंने ऐसा एक पार्क में मैं था तो मैंने सुना एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचुएस्क अट्रैक्टिव गॉर्जियस सिजलिंग गर्ल थी पार्क में तो इतनी तारीफ सर कल डिबेट है ना लड़का लड़की पे और इसके yes, हाथ में एक छोटा सा क्यूट सा पपी यू नो पपी हिंदी में बोल दो पपी को हिंदी में बोलते नहीं अभी अभी आप साउथ इंडियन डॉग का बेबी इधर पता डॉग का बेबी छोटे इधर अपने इधर छोटे कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं हमारे यहाँ नाई मरी बोलते सर ओके और उधर साउथ में तो पिल्ले ही करके एक टाइटल है पिल्ले यहाँ पिल्ले यस सर पिल्ले तमिल सर तमिल वर्ड ओके तो ये लड़की है और यहाँ पर ये एक लड़का है इसने देखा कि यार इस प्यारी सी लड़की के हाथ में छोटा सा पप्पी अगर मैं पप्पी होता ठीक है इसने ऐसा सोचा तो यानी कि ये है नहीं लेकिन ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं ये होता तो आज मैं इसकी बाहों में होता समझ रहे हो दिस इज कंडीशनल ये कंडीशनल अनरियल अनरियल है ये कभी पप्पी हो नहीं सकता है हाँ बाहों में बेशक हो जाए पप्पी नहीं हो सकता है तो अभी सोच रहा है अभी कैसे बोलेगा तो जो इसका जो रिजल्ट पार्ट है रिजल्ट में सब्जेक्ट उसके साथ वुड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अब ये चाहे तो इस रिजल्ट में थोड़ा सा फेर बदल भी कर सकता है जैसे ये वुड तो एक्शन को दिखा रहा है अगर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाए तो वुड के साथ क्या लगा देगा बी बी रिजल्ट में स्टेट ऑफ बीइंग जैसे उसकी बाहों में होता होना तो स्टेट ऑफ बीइंग है ना यस सर उसके बाद यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग लगा सकता है मतलब रिजल्ट में हम देखो वेरिएशन देखो उसके बाद और अगर वेरिएशन वुड बी के वर्ब का फर्स्ट फोर्थ फॉर्म भी आ जाएगा ना सर आईएनजी हां अब इसी बी में थोड़ा वो कंटिन्यूटी दिखा है तो वर्ब में लगा देगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अगर उसे थोड़ा सा कंटिन्यूटी मतलब थोड़ा और वेरिएशन दिखाना है तो वुड के साथ हैव लगा सकता है और ये पोजीशन वाला है पोजीशन दिखा सकता है सर आई हैव वन क्वेश्चन सर सर जो जो फर्स्ट पार्ट है कंडीशन का जो जितने भी कंडीशन है सेकंड थर्ड सर उसका जो फर्स्ट पार्ट में ही सर हमें वो देखना है कि एक्शन है क्या स्टेट ऑफ बीइंग है और जो सेकंड पार्ट है रिजल्ट का वो कुछ भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है करेक्ट सही पकड़े ओके तो अब ये बोल रहा है कि अगर मैं एक पप्पी होता इफ आई वर अ पप्पी मैं उसकी बाहों में होता आई वुड बी आई वुड बी हर आर्म्स ओके तो देख रहे हो यहाँ पर बी आ गया अभी बी से कंफ्यूज नहीं होना है ये बी का मतलब है स्टेट ऑफ बी होने के लिए स्टेट ऑफ बी यस हमें इस वुड के बाद हमें जो वर्ब लगाना है वो बिल्कुल बेस फॉर्म होना चाहिए तो बी हमारा एक बेस फॉर्म है बिल्कुल बेस बी भी एक वर्ब है ना बी मतलब होना यस सर तो बी आ गया और कुछ सोचिए जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं मान लो यहां पर एक एक्ट्रेस है
बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और यहाँ वही अपने जो कूल डूड नौजवान लड़के होते हैं जो ख्याली पुलाव पकाते हैं। अब ये कह रहा है यार अगर ये हीरोइन मेरी गर्लफ्रेंड होती ना भाई, तो अगर ये हीरोइन अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर होती हो चांस भी नहीं है, अनरियल है, अभी कैसे बोलेगा इफ सी वर माय गर्लफ्रेंड। हाँ जी, अब दिक्कत है कि रिटेन इंग्लिश कहता है, मंजू ध्यान देना, रिटेन इंग्लिश कहता है कि इफ शी, सबके साथ लगा दो वर, वर इफ शी वर माय गर्लफ्रेंड। स्पोकन इंग्लिश क्या कहता है, इफ शी वॉज माय गर्लफ्रेंड। मैं ये गलत नहीं सिखाना चाह रहा हूं, बट मैं आपको कई बार मैंने बताया है कि अच्छे लेवल पे हाई लेवल पे भी ना लोग वॉज ज्यादा बोल देते हैं वर की अपेक्षा। आप बॉलीवुड स्टार को भी सुन लेना, लेकिन ग्रामर yes, sir, आपने तो वीडियो भी दिखाया सर, एक वीडियो में मैंने वीडियो भी दिखाया, लेकिन पूरा ग्रामर वर को मानता है। अगर आप वॉज करेंगे तो भैया गलत इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन स्पोकन में चलता है तो मैं क्या बताऊं, चलता है तो चलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैं इसको हटा देता हूं। तो इफ शी वर माय गर्लफ्रेंड, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती, अब रिजल्ट है कि मैं उसे डेट करता, कैसे होगा, आई वुड हैव डेट हर, खाली आई वुड डेट हर, बस आई वुड डेट हर, करता मतलब गर्लफ्रेंड होती तो मैं, ये मेरी रूटीन बन जाती ना, आई वुड डेट हर, आई वुड गो हियर एंड देयर विद हर, आई वुड हैव सम, आई वुड पास सम टाइम विद हर, ऐसे होता। सर सर शी वर्क का थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। ओके ठीक है, कर देता हूं। सर इसमें ऐसा भी हो सकता है इफ आई नो इंग्लिश, ऐसा भी हो सकता है सर। आई गो एक्शन वाले में आ जाएगा ना, अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग में। ओके ओके, देखिए अंजलि तुम मुझे भूल जाओ है? ओके अच्छा है, अंजलि इज मैरिड यार, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। अंजलि इसको ऐसे रट के देखते हैं, मतलब जो ग्रामर कहता है कि इफ आई वर, यू के साथ भी वर होगा, इफ यू वर, वी के साथ भी वर होगा, इफ वी वर, दे के साथ भी हो जाएगा, इफ दे वर शी, अगर ही शीट में आ जाए तो। वैसे हमारी जो टेंस वाली अंग्रेजी है उसमें आप सबको पता है ना कि ही के साथ वॉज आता है, सबको पता है, लेकिन ये चूंकि झूठ है, कल्पना है, तो कल्पना में किताब ने भाई वर कर दिया कि इफ ही वर कर दो। अब ग्रामर यही मानता है, अगर शी आ जाए तो हमें टेंस में शी के साथ वॉज सिखाया गया है, लेकिन हम चूंकि इफ लगा रहे हैं तो हम इसके साथ वर कर देंगे कंडीशन के चक्कर में। सिर्फ कंडीशनल में यूज होगा, सिर्फ कंडीशनल, सिर्फ कंडीशनल। और अगर इट आ गया तो हमें पता है इट के साथ वॉज फिट होता है, लेकिन हमें क्या करना है, वर्क करना है, इफ इट वर। तो ये स्पोकन स्टाइल है, लेकिन अभी जो सॉरी ये रिटन स्टाइल है, रिटन स्टाइल है, ग्रामर स्टाइल है, लेकिन स्पोकन में मैंने ना जाने कितने लोगों को देखा है, मतलब इतने सारे मैं वीडियोज मतलब इंटरव्यूज के देखता हूँ बॉलीवुड स्टार से लेकर अच्छे लेवल पे, उनको मैंने सुना है एकदम कि वो क्या करते हैं भाई, यू के साथ तो वर लगता है तो वैसे भी लगता है ना, टेंस में भी लगता है, ये तो है ही, वी के साथ वर लगता है तो वैसे भी लगता है, दे के साथ वर लगता है टेंस में भी लगता है, लेकिन ही के साथ तो टेंस में वाज लगता है, ये लोग इधर भी वाज लगाते हैं, इफ ही वाज कर देंगे, इफ शी वाज कर देंगे, इफ इट वाज, बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं। लिखवा लीजिए करण जौहर से लेकर टेरेंस लुइस से लेकर न जाने क्या क्या कौन कौन है। सर हम आपके जैसे के सामने बोले तो एक करेक्ट है बोलते, अगर किसी और के सामने बोले तो बोलते कि रे इसको इंग्लिश नहीं आता इसलिए बोल रहा, बोल जाते। कौन सा वाला, ये वाला वॉज वाला? यस सर। तो इसलिए जो नहीं सर वर वाला, हाँ यही दिक्कत है, होता क्या है कि अगर हमने किसी के सामने बोला ना इफ शी वर, तो वो वर सुन के ना थोड़ा लगे कि यार यार कैसा सी शी के साथ वर क्यों लगा रहे, नहीं आता इंग्लिश इसीलिए बोल रहे समझते। तो मैं तो यही कहूंगा कि क्या बोलते, जैसा देश वैसा भेष, वैसा भेष, लेकिन इनको एक लाइन बोल देना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें कंडीशनल नहीं आती, बोलेंगे तब भी बोल सकते ना। एक्चुअली कई जगह ना मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, इफ शी वाज, If it was. पहले जब मुझे सर आइडिया नहीं था ना, मैं भी ऐसे ही बोलता था, इफ आई वाज या आई विश आई वाज,
लेकिन मैं तो जानबूझ कैसे बोलता हूँ क्योंकि मालूम मैं उनके सामने बोल रहा हूँ जिनको मुझे समझाना पड़ेगा कि भाई पता है मैंने वर क्यों लगाया, इससे अच्छा वॉज बोल दो. लेकिन अब मैं YouTube पे क्या कहूँ, YouTube पे लोग कहेंगे तू गलत को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है. तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप अगर ऐसा बोल भी देते हो ना, जैसे आप बोलो कि अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, आपने बोला इफ शी वॉज माई गर्लफ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं, लोग अच्छा ही मानेंगे. ग्रामर क्या कहता है इसको, इफ शी वर माई गर्लफ्रेंड. और ये ग्रामर सही मानेगा, लेकिन आसपास के लोग आपको ये वर के चक्कर में आपको गलत समझ लेंगे कि इसको शायद इंग्लिश नहीं आती. तो इसलिए ये बोलो, इधर वाला बोलो, क्या दिक्कत है. किसको हमें साबित करना है ज्यादा, उसको खुश होने दो कि हाँ आती आती, यही बोल दो. कभी एग्जाम में पास कुछ लोग सर आई के साथ भी डज यूज करते हैं, उनको तो मेरा प्रणाम है, पता नहीं क्यों. नहीं, मैंने बहुत जगह देखे. अरे मैंने देखा है कि ही के साथ डोंट बोलते हैं बहुत लोगों को, शी के साथ डोंट बोल देते हैं, शी के साथ भी डोंट. हाँ, इस जब गाना ही बना दिया कि शी डोंट नो, शी ऐसा कुछ था ना, शी डोंट नो कोई गाना भी. एनीवेज यू डोंट, पता नहीं मुझे भी याद नहीं. फाइन गाइस, चलिए तो कोई कंडीशन सोचिए कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, जरा सोचिए कुछ. इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. अगर मैं एक चिड़िया होती आई वुड फ्लाई इन द स्काई. ओके, तो आई वुड कुछ और करते, फ्लाई तो दुनिया बोलती, थोड़ा हम अलग सोचते हैं. सोचिए अगर आप चिड़िया होती तो क्या करती. I would be on the on tree. So nachti. Nachti, yeah. Okay. Yeah, I would dance. I would dance. Wow. Very good. अगर मैं एक dancer होती, कैसे होगा? If I were a dancer. If I were a dancer. Dancer. I would take part in everything. हाँ, तो मैं I would perform. If I were Miss Universe. I would present my country. I would present my country. I would represent. Sir, represent होगा ना sir? Yeah, represent. Yeah, represent. My country. ये है. तो अब अगर इसमें हमें सवाल पूछना है. Sir, ये ऐसा नहीं होता. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम नहीं कर रहा होता. बोलिए ना, आराम से हो सकता है. If I were I would not be doing this thing. I would not be working in this company. Okay. Company में काम नहीं कर रहा होता. नहीं कर रही होती हूँ. अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा होता, ऐसा कहना होता. I were not doing this. तो अब आप लोग ना एक दूसरे से सवाल जवाब करो. जैसे पूछते हैं ना, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते. इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वुड यू डू. इस तरीके से मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग. एक दूसरे को फेस कीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, आज आप लोग ना प्रैक्टिस ही कीजिए. मैं अभी फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए. वी हैव कंडीशनल सेकंड
So today we'll talk about state of position. पहले position देख लेते हैं. देखिए guys, you already know position. It means suppose there is a girl. Vivash, yes, beautiful, जो भी इसका तारीफ कर दो. So there is a girl. अब ये इस लड़की के पास इस वक्त प्रेजेंट टाइम में क्या क्या नहीं है. आप सोचो कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में क्या क्या नहीं है. आपके पास हो सकता है कि एप्पल का लैपटॉप ना हो. यस सर. है ना, कार ना हो, आईफोन नहीं है. आपके पास कोई अच्छा हेडफोन्स ना हो. तो जो जो आइटम हाँ प्रेजेंट टेंस में आपके पास नहीं हो सकता है. इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो प्रेजेंट टाइम में, जो जो नहीं है. ओके तो उस अब ये नहीं है तो नहीं, ये तो रियलिटी है, इसको हम बदल नहीं सकते. Somebody is coming. Wait a minute. Okay. So I was saying कि इसको हम बदल नहीं सकते, ये तो रियलिटी है, इसके पास नहीं है तो नहीं है. अब ये कह रही है कि अगर मेरे पास ये होता तो अभी नहीं है, अचानक आ भी नहीं सकता है. हालांकि हो सकता है कि आपको कुछ साल में आ जाए. अब अचानक आप बोलो कि अगर मेरे पास ऑडी कार होती, जबकि आप एक स्कूटर तक अभी खरीद नहीं सकते हो, आपको पैसों की तंगी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक अनरियल वाली बात हो जाती है. एक अनरियल, एक हाइपोथेटिकल हो जाता है कि आपके पास है नहीं और आप कह रहे हो कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं तो ये कर देता, वो कर देता. ठीक है, आपके सिक्स पैक्स है नहीं और आप कह रहे हो अगर मेरे सिक्स पैक्स होते तो इतना आसान थोड़ी बन जाएगा सिक्स पैक. है If I were ला सकते हैं सर इसमें? वर नहीं आ सकता है, आएगा इसमें पोजीशन में. पोजीशन में ऑडियो ऑफ कर दीजिए. देखिए तो हमें पता है कि अगर हम रियल बात करें, अगर हम प्रेजेंट टाइम में एकदम रियल अगर हम बात करें तो रियल होता है हैव आई वी यू दे के लिए और हैज होता है थर्ड पर्सन. जैसे कि अगर मेरे पास एक कार है तो हम कहते हैं कि आई हैव अ कार और उसके पास एक कार है तो शी हैज अ कार. ये रियलिटी है. लेकिन चूंकि इसके पास अभी कोई कार है नहीं तो जो अनरियल है उसमें आपको इफ लगाना है. इफ किसके साथ? सब्जेक्ट. और आपको यहां पर लगाना है हैड. उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये आपका हो गया. जब आप ग्रामर को डिटेल से पढ़ोगे ना तो ग्रामर एक चीज कहता है, वो हैड ऐसे रटवाता नहीं. ग्रामर कहता है कि कंडीशनल सेकंड ऑलवेज टेक्स वर्ब सेकंड फॉर्म. ये एक स्टेटमेंट से आप समझ जाओगे कि आपको हर चीज सेकंड फॉर्म में लगाना है. कैसे? देख लीजिए. आपको पता है, फिर से थोड़ा सा आपको मैं कहीं ले चलता हूं. बी में क्या होता है? एम इज एम आर इज एम आर एम आर. इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म. याद होगा तो? यस सर. फर्स्ट फॉर्म इसमें इज जो बेचारा है ये ही शीट के साथ लगेगा. तो ये आपको ये गोज वोज वाली फैमिली मान लो. फिर ये फर्स्ट फॉर्म है. इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज वर. थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन. और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? बीइंग. बीइंग. ठीक है. तो अब ये कहता है कि आपको सेकंड फॉर्म लगाना है. तो हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म वाजवर है ना, और वाजवर में भी हम किस में आ जाते हैं? वर में आ जाते हैं. वर में है ना. तो ये सेकेंड फॉर्म है. तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ बीइंग. मैं कहीं पर लिख देता हूं ये क्या है. स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग है. अच्छा जी, लेकिन अगर स्टेट ऑफ पोजीशन की हम बात करें, स्टेट ऑफ पोजीशन, तो स्टेट ऑफ पोजीशन में हैव है जो बेस है हमारा, हैव है. तो हैव का फर्स्ट फॉर्म भी हैव होगा. सेकंड सेकंड हैड होगा. थर्ड हैड होगा. थर्ड फोर्थ हैविंग हो जाएगा. और फिफ्थ हैज हो जाएगा. तो हमें पोजीशन में अभी क्या हम बोल रहे हैं? हैड लग रहा है. सेकंड फॉर्म लग रहा है. सेकंड फॉर्म, इसीलिए आपको यहां पर हैड दिखाई दे रहा है क्योंकि साफ लिखा है कंडीशनल सेकंड ऑलवेज टेक्स वी टू फॉर्म. और जब आप एक्शन की बात करोगे तो अगर एक्शन हमारा गो है तो गो का फर्स्ट फॉर्म भी गो होगा, सेकंड फॉर्म वेंट होगा, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज.
तो हमें किस पर ध्यान देना होगा? वेंट 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 तो यही रियलिटी है. तो एक लॉजिक समझ लो कि हमेशा क्या लगेगा, वी टू लगेगा. अब लोगों को ये पता नहीं है ना कि अच्छा ये हेड वी टू है क्या, उनको तो इतना पता है कि अच्छा गो का वेंट होता है, ये हेड भी कोई वी टू है. बहुतों को नहीं पता ना भाई सोनू, बहुतों को नहीं पता है. यस सर, यस सर. तो इस चक्कर में वो बेचारे वो रटते हैं. अच्छा, बेसिकली जिन्होंने आपकी वीडियो नहीं देखी तो बहुतों को नहीं पता. उनको क्या पता कि ये इज एम आर ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वाजवर सेकेंड फॉर्म है. उनके लिए वर्ब की फॉर्म बस यही होती है, जितने एक्शन होते हैं ना, जैसे कि ईट, तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ये वो मान लेंगे. लेकिन वो ये कभी नहीं मानेंगे कि एम इज आर फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं मान पाएंगे. वो ये नहीं मानेंगे कि वाजवर सेकेंड फॉर्म है. ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनको स्टेट ऑफ बींग ढंग से पता नहीं. खैर गाइस, मुद्दे पर आ जाते हैं. तो ये सेकेंड फॉर्म है ना, याद yes, sir. तो अब हम कैसे बोलेंगे कि यार अगर मेरे पास एक कार होती, तो इफ आई हैड अ कार, रिजल्ट आपका वही रहेगा. मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता, आई वुड मान लो कि सोनू की कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो, क्या मेरी अगर कोई गर्लफ्रेंड होती तो कैसे बोलेगा, इफ आई तो सोचो आपके पास क्या होता, कल्पना करो आप क्या कर लेते. इसमें सवाल पूछो कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे होते तो आप क्या करते. If you had a lot of money, what would you do? ये जहां से शोर है ऑडियो ऑफ कर लीजिए, देख लीजिए कहां से शोर है. मतलब एक ही घर में टीवी भी चलता है, आप क्लास भी लेते हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा ना करो, जो टीवी देख रहा है उनको बोलो कि एक घंटे सबर कर ले. ओके, अब देखिए एक फर्क बताइए. मैं यहां पर लिखता हूं, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी व्हाट विल यू डू. कोई बता सकता है फर्क? सोचो. यस सर, अगर अभी पैसे होते तो तुम क्या करते? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? आपको पता हो ना हो, इनका पास्ट से दोनों का लेना देना नहीं है, दोनों प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ही जाते हैं. ये आपका कंडीशनल फर्स्ट है, इसमें चांस ज्यादा है, इसमें होने की चांस ज्यादा है. फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा पैसे आ जाए. हम किसी के पास कह रहे हैं कि सपोज यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, हम यहां चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, दो साल बाद, तीन साल बाद. इसमें चांस ज्यादा होता है, और इसके अंदर बिल्कुल भी चांस नहीं है. इसमें तो इमेजिनेशन वाली बात है कि मान लो अभी प्रेजेंट में तुम बैठे हो, तुम्हारे पास दो रुपए नहीं है. अब कोई बोले कि अगर अभी तेरे पास बहुत सारे होते, 5 करोड़ होते, तू क्या करता? तब आप बिल्कुल जो झूठ है उसमें हैड लगा दो. हैव लगाओगे तो फ्यूचर कंडीशनल फर्स्ट है ये ना, ये फर्स्ट है, कंडीशनल फर्स्ट है, ये फर्क है. ओके फाइन. जैसे अगर मैं किसी को ऐसे बोल रहा हूं, मेरे सामने एक 40 साल का लड़का है. अब मैं 40 साल का लड़का होगा, आदमी होगा, ठीक है, आदमी है, ठीक है, आदमी है, आदमी आदमी है. ओके, अब मैं कहता हूं कि इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, व्हाट विल यू डू. एक ये सवाल है, दूसरा है कि इफ यू हैड अ गर्लफ्रेंड What will you do? अब फर्क देख लो. Yes sir. ऊपर वाले का मतलब कि अगर भविष्य में मान लो ऐसा हो जाए, मान लो चांस है भविष्य में. Sir, what will you do? कि what would you do? Sorry. हाँ हाँ, head वाले में would आएगा. What would you do? इधर होगा what would you do? हाँ. तो ऊपर वाला क्या कह रहा है कि मान लो कि अगर girlfriend हो जाए, बन जाए कभी future में, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी strategy क्या होगी? एक्शंस क्या होंगे? मूव्स क्या होंगे? इधर है कि यार तेरी है नहीं, मान लो कि तेरी होती, मान लो अभी तेरे पास है, तो तेरे एक्टिविटीज क्या होते? कोई फ्यूचर की बात नहीं कि फ्यूचर में 2 साल बाद होगा कि नहीं,
तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ चांस नहीं है, मान ले कि अभी तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो तो तू क्या करेगा, ये बताता है। तो कुछ आ रहा समझ में? यस सर। वो ये अनरियल सिचुएशन है, वो काफी रियल है। हाँ, ये अनरियल है। इसमें हैव आप तभी लगाओगे जब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मान लो फ्यूचर में बन जाए, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मान लो ऐसा होगा तो तुम क्या कर लोगे भाई। इसमें है कि तेरी नहीं है, मान लो अगर तेरी होती तो होती का मतलब ये नहीं कि कल होती परसों होती, अभी ही होती, अभी मान ले कि ना से हाँ है, ऐसे समझना है आपको। ये ना मैं इसलिए बार बार समझाता हूँ कि लोगों को ना समझ में नहीं आता है। ये है वो लड़का 40 साल, ठीक है, ये 40 साल का, ऑडियो ऑफ कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। इस वक्त इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इस वक्त इसके पास कोई कार नहीं है, अब नहीं है और अचानक मान लो कि ये नहीं को मैं कह दूं कि है, ये करने को एकदम पलट देने को हम ये लगाएंगे, हैव को हैड कर देना है, नहीं है मान लो कि है तो हम बोलेंगे कि इफ यू हैड, यानी कि अगर तेरे पास हो, मान लो कि अभी है तेरे पास, व्हाट वुड यू डू, तेरे एक्शंस क्या होंगे, तू क्या क्या करना शुरू कर देगा। दिस शोज कंडीशनल सेकंड पोजीशन। अब बताइए कोई सवाल, सोचिए अभी आपके पास क्या नहीं है, एक सवाल पूछे किसी से। इफ यू हैड ए पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू, करेक्ट है, करेक्ट है। और कोई? इफ यू हैड अ मैजिक स्टिक, मैजिक स्टिक, वुड यू हेल्प पीपल? If you had her number, would you call her? Okay, जी. If you had a four wheeler, would you drop me to home? Correct है, correct है. Good. बोलिए भाई मनोज. Yes, sir. If you had a mobile, would you talk to me? Hmm. क्या हम इसमें negative भी बना सकते हैं? Negative? यानी कि बंदे के पास है? हाँ, sir. अगर नहीं होते तो क्या करते? तो negative में रुक जाइए. If you had not? नहीं नहीं, didn't लगाना. Didn't have. Okay. If you did not have two wheeler, how would you नेगेटिव उतना अच्छा होता नहीं है कंडीशनल में, सही पकड़े हैं, नेगेटिव कोई बोलता नहीं है, बट जी सर जस्ट पूछ रहे थे, बना सकते हैं, करेक्ट 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 पूछा है, तो मेरे सेंटेंस करेक्ट था सर। हम ऐसे बोलेंगे, एक मिनट, इफ यू, यहाँ पर हमें लगाना होगा डिडंट और यहाँ हैव कर, स्क्रीन नॉट विजिबल सर। Okay. Here we go. देखा? If you didn't have a car, अगर तुम्हारे पास कार नहीं होती, मतलब है और मान लो कि नहीं है, what? How would you reach home? Sir, directly हम had का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। If you had not a car, no car. Actually. चलता था पहले बट अभी चलता नहीं अभी, या हम नॉट ए कार कर सकते हैं भाई जी, नो कार करेंगे तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें नॉट ए कार हो सकता है, व्हाई नॉट, वो सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे मनोज, अगर आपको नॉट लगाना है तो आप ए लगा सकते हो, ए नहीं लगा सकते हो, ये रूल है, यस, अगर आप नो लगाओगे तो नो के बाद आपको नो आर्टिकल्स, नो ऑर्डिनल कोऑर्डिनल नंबर, बस ये है, ये तो बहुत छोटे बेसिक ग्रामर में भी आता है। खैर, अभी आप वही बोलिए जो मार्केट में चलता है, जैसे अगर किसी के पास प्रेजेंट में कार नहीं, बंदा बोलेगा आई डोंट हैव अ कार, ये है लेटेस्ट मजेदार, किसी से बोलना है तेरे पास है क्या, तो क्या बोलते हैं, डू यू हैव अ कार, और लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशन की, उसमें ऐसे नहीं होगा, हैव यू, सर मैंने पढ़ा है, एक किताब पढ़ा सर मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि आई हैव नो कार,
इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार न है न होगा, अभी अभी रियल दिखा रहा था डिफरेंसेस पे। अब ये होगा नहीं आएगा मत, नहीं नहीं ये होता है, कई लोग लिखते हैं, अब भाई इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। जैसे आप कोई अब स्कूल का टीचर विल मुझे किसी को फ्यूचर इंडेफिनिट सिखाएगा तो पक्का ऐसे बोलेगा कि आई वी के साथ या शायद लगेगा, पक्का बोलेगा ना, सिखाना ही पड़ेगा उसे, उसकी मजबूरी है। अब वो ऐसे सिखाएगा कि मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, लेकिन जब शैल का लेक्चर पढ़ेंगे ना तो शैल इतना खेल खेलता है कि अभी आप आई वी के साथ शैल लगा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ही के साथ भी शैल लगाना पड़ेगा, ऐसा भी होता है सर, ऐसा होता है सर जी। तो इसलिए अब ये कौन कितना समझा है, तो स्पोकन इंग्लिश में हम सीधा कहते हैं भैया विल लगाओ, सबके साथ विल लगाओ, ये है ये कहानी। चलिए तो हम कहां थे जी, डिडंट, ठीक है। अगर मान लो कि किसी के पास बहुत सारे पैसे, हम कह रहे हैं अगर तेरे पास पैसे नहीं होते तो तू क्या करता, तो कैसे होगा, इफ यू डिडंट हैव मनी, व्हाट वुड यू डू। मान लो किसी के पास, मान लो कि बहुत सारे बच्चे, हम कह रहे हैं कि अगर तेरे पास सिर्फ एक ही बच्चा होता तो क्या तू दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करता, कैसे होगा, तो अब आप लोग इसको अगर समझ गए हैं तो ठीक है, एक्शन की तरफ चलते हैं क्योंकि डिबेट भी करना है, वेट है। उसके बाद कंडीशन थर्ड आज खत्म नहीं होगा, थर्ड के लिए तो भैया मंडे का ही वेट करो, ओके सर, कोई नहीं सर। अब आते हैं, क्या कोई खटिया पे सो रहा है क्या, अजीब अजीब आवाजें आ रही है, क्या हो रहा है, सुनीता में उठ कॉपी रहा सर, कोई खटिया तो अच्छी बात है, यहाँ मैं देखता हूँ नो सर, हम लोग नहीं कॉपी रहा सर, कोई होगा जो बूढ़े वगैरह, मतलब मेरा भी आपने गांव देखा ही होगा ब्लॉग चैनल में, खेत खलियान देखा होगा, तो खटिया गांव में होना ठीक है, सबके पास होता है, शहर में क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल में खटिया लगा के बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, शॉपिंग मॉल में कि देखो एक बेहतरीन लुक शोकेस कर देते हैं, सर आपने एक वीडियो में दिखा भी रखी है खटिया शॉपिंग मॉल में, और यहाँ के लोगों को लगता है कि वाह क्या खटिया है, अरे भाई गाँव में देखो लोग सोना नहीं चाह रहे, अरे हम खटिया पे सोते हैं। राजस्थानी लुक, कोई पंजाबी लुक बना देगा, यस सर, यस सर, इन कैफे दे मेड इन बैंगलोर सर, यस फाइन जी। एक्शन में आपको पता है कि अगर हमें गो बोलने का मन करे तो हम क्या बोलेंगे, आप रेंट बोलेंगे, ईट की जगह क्या बोलना होगा, रेन की जगह रेन, रेन। अब सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन है कि ये एक लड़की है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है, अब मान लो कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं जानती है, जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, नोन, नोन, न्यू, अच्छा न्यू, 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 थर्ड नोन, तो इसको इंग्लिश नहीं आती है, ओके, अगर इसको बोलना है कि यार अगर मुझे इंग्लिश आती तो मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलती, तो कैसे बोलेगी, इफ आई न्यू न्यू इंग्लिश आई वुड स्पीक फ्लुएंटली, ठीक है, आई वुड स्पीक फ्लुएंटली। ये ऐसे मौसम में है जहाँ पर अभी बारिश होने की संभावना भी नहीं है, अभी कह रही है अगर अभी बारिश होती तो मैं नहाती, बारिश अभी हो नहीं सकती है, तो क्या बोलेगी, इफ इट रेन आई वुड, आई वुड टेक अ शावर, ऐसे कुछ, आई वुड शावर भी ठीक है, भगवान का झरना ही है ऊपर से शावर, ओके, तो ये एक्शन ज्यादा यूज होता नहीं, मतलब लोग आप कंडीशनल सेकंड में या तो आपको वर वाला दिखाई देगा या हेड वाला दिखाई देगा, स्पोकन में, एक्शन में कोई कुछ बोलता नहीं है सर, अगर कोई मेहमान आता तो मैं खाना बनाता, ठीक है वही है कि जा नहीं सकता, चांस नहीं है तो लगा दो, कम का केम कर दो, इफ गेस्ट केम आई वुड कुक फूड, इफ ए
any guest came, I would cook food. I would. Cook food. Okay. Yeah, butter chicken, कुछ भी. Delicious food. मान लो आप बैठे और आप कहीं गए नहीं और आप बोल रहे हो कि अगर मैं शिमला जाती, मैं यहाँ जाती, ये भी हो सकता है. आप जाओगे भी नहीं और पास्ट में भी कभी गए नहीं, ये प्रेजेंट टाइम है. कल्पना करनी. If I went to Shimla. तो अब आपको कल्पना करना है. ये शिमला है ना, ये मान लो स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल. तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं शिमला जाती ना, मजे करती, तो मैं बर्फ में कूद जाती, बर्फ को ढक ले, अपने आप को ढक लेती, व्हाट एवर यू. तो आप कैसे बोलोगे? If I went to Shimla, I would have. If I went to Shimla, I would have fun. I would have covered snowfall. So I would cover myself. Hein? I would cover myself with snow. तो ऐसा कुछ सोचो कि जैसे आप कभी डिस्को गए नहीं, फ्यूचर में पता नहीं कब जाओगे. अब आप बैठे बैठे सोचो, अगर मैं डिस्को जाती ना, मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स लगाती, छोटे छोटे होते हैं ना शॉर्ट्स. हाँ हाँ. तो कैसे अकेला डिस्को. इफ आई वेंट टू डिस्को, आई वुड का शॉर्ट्स. देखो एक्सपीरियंस तो मेरा भी नहीं है, बट मैंने अभी जो मैं गया था ना एरोप्लेन रेस्टोरेंट में, उसके मेनू में था ये. But sir, you didn't take. भाई तो cocktail try किया. मैंने पानी भी नहीं पिया. पानी भी महंगा रहता है फातर. देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे ना दो चेहरे होते हैं. एक चेहरा होता है हम दिखाते हैं हम ये हैं, एक रियलिटी होती है. मैंने आज तक कभी भी 200 का कॉफी नहीं पिया है. ये 200 रुपए का जो कॉफी है ना, नहीं पिया है. मैंने तो 50 वाला भी नहीं पिया सर. मैं तो पीता ही नहीं था. एक बार मैंने 25 रुपीस का कॉफी पिया था. अब वहाँ पर 200 का कॉफी था. अब मैं वीडियो बनाने के लिए कि मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे, मैं ये कर तो देता, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ ना, तो मैं सच्चाई पे रहता हूँ. नहीं पिया तो नहीं पिया. वहाँ मेरे लिए 200 का कॉफी बेवकूफी थी. अगर मुझे पीना होगा मैं स्टारबक्स नहीं चला जाऊंगा. बट सर आप हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सर, मतलब आप रियलिटी को शो कर देते, कमाल की बात है. यस सर. अब मैंने कहा ना कि दो चेहरे हैं, कि ये हम, ये हम वो. रियलिटी ये है कि नहीं भैया, वो महंगा था और बेकार बेवकूफी थी वहाँ लेना वो 200 की कॉफी. यस सर. पानी क्यों नहीं पिए सर? बट सर उसको चलाने में मजा था सर. पिछले वाले को आपने चलाया था सर, इस वाले को चलाने का तो था ही नहीं वो, मतलब फीलिंग वाली बात नहीं थी इसमें, है ना. ये नया खोला है नोएडा में, दिल्ली वाला इस बेटर. फाइन. तो अगर मैं मुंबई जाता, साउंड बंद कीजिए. I would stay in कौन सा होटल है? सलमान खान. I would meet to सलमान खान. ठीक है चलिए सर. I would meet मैडम को सलमान पसंद है. ठीक है. I would meet सलमान खान. सलमान खान. एक भाई कोई बाइक चला रहा है क्या? मोनार्क पटेल. बंद कीजिए. या मोनार्क पटेल. तो सोचो आप क्या क्या करते, मतलब एक्शन दिखाओ, कुछ एक्शन लाओ. इफ नहीं लगाया ना मैंने, इफ लगाना चाहिए नहीं. इफ और कहीं. हाँ सर. ताज होटल में रुकता. इफ आई वेंट टू मुंबई आई वुड स्टे एट इन ताज होटल. इफ आई वेंट टू मुंबई आई वुड स्टे. अगर मुझे कुकिंग आती, इसको कंडीशनर थर्ड से भी तो बना देते हैं हम लोग कभी कभी, ऐसा हिंदी आता है तो. एक्चुअली जो हिंदी को ट्रांसलेट करेगा बिना फीलिंग समझे वो तो थर्ड में ले जाएगा, इसको पक्का ले जाएगा थर्ड में जाएगा ही सर ये. लेकिन हम चूंकि यहाँ हम जानबूझ के फीलिंग सेकंड की रख रहे हैं, इसलिए हम सेकंड कर रहे हैं. ये बनाइए कि अगर मुझे कुकिंग आती तो मैं रोज कुछ ना कुछ बनाती. इफ आई न्यू कुकिंग आई वुड मेक समथिंग डेली काइंड ऑफ डिफरेंट डिशेस. ठीक है. I would try different. Different dishes. If I went to Goa, I would visit all beaches. I would
तो यही है कंडीशनल सेकंड आपका, ये बहुत कम यूज होता है बट आप यूज कर सकते हो। अब हिंदी में जो लिखा होता है ना, हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा कि अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, ऐसे लिखा रहेगा। यस सर। अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल। अब ये देख के कुछ नहीं पता कि इंसान कब की बात कर रहा है, कंडीशनल सेकंड है कि थर्ड है, आप फैसला नहीं कर सकते। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो इसको थर्ड में बना देते, वो ऐसे बना देते हैं, इफ आई हैड, ऐसे बना देंगे, इफ आई हैड गॉन, इफ आई हैड गॉन टू ताजमहल आगरा, आगरा आई वुड हैव, ऐसे बना देंगे, आई वुड हैव सीन द मोनार्क, प्लीज म्यूट, ताजमहल, ऐसे कर देते हैं। तो इसीलिए गलत तो नहीं ना है सर ये भी? ना गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, क्योंकि भाई हिंदी देखकर बड़ा मुश्किल है ना, कैसे पता करेंगे। कितना लोग तो विजिट करते हैं, विजिटेड आगरा। इसमें कोई यस्टरडे फेस्टरडे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर रहता है ना, किसी सन 2005 में 4 में, तब तो पक्का थर्ड माना जाता क्योंकि पास्ट हो गया। तो इसलिए ट्रांसलेशन के हिसाब से सही है। उतना कौन जाता है डीपली सर? कोई नहीं, कोई नहीं। और लोग बाग तो ट्रांसलेशन पढ़ के ही अपने खुश मस्त हैं। सूरज पूरब में उगता है, राम आम खाता है, बस वही दुनिया है, उसी में खुश है वो। खैर गाइस, वो बिहार में फेमस है ना, केपी ठाकुर किताब फेमस है ना? हाँ हाँ, केपी ठाकुर की किताब फेमस है, ट्रांसलेशन। केपी ठाकुर है, आरके सिन्हा है। कौन कौन? आरके, आरपी, अभी आरके सिन्हा का बोलबाला है सर। अच्छा, आरके सिन्हा, आरके सिन्हा का नाम सुना है सर? ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड लिखते हैं ये। अरे ये लोग, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश, हाँ सर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश करंट ट्रांसलेटर, ऐसे कुछ है, पूरे या बहुत अच्छा बुक है, पूरे इंडिया में लोग फेमस है भाई। ये जूनियर ट्रांसलेशन, हाई स्कूल ट्रांसलेशन सब बनाते हैं लोग। इट विल, आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग, आई एम नॉट गेटिंग टाइम, व्हेन आई गेट फ्री आई विल डेफिनेटली डू दैट। आफ्टर फरवरी सर? हाँ, आई वांट टू बी फ्री फॉर एवरीथिंग, कि थोड़ा टाइम मिल जाए। आफ्टर फरवरी। फाइन गाइस, तो चलिए डिबेट कर लीजिए, हो गया ये सर। थोड़ा सा अपसेट और कंप्लेंट बता दीजिए ना सर। उसके लिए बेटा पूरा आधा घंटा चाहिए, ऐसे नहीं होगा, मैं डिबेट को मिस नहीं कर सकता। बहुत डिस्टर्ब हो उसने। डिबेट के लिए टाइम तो सर भाग गया। ना ना, है ना भाई, टाइम ही टाइम है, आधा घंटा चाहिए। हाफ एन आवर है। हाफ एन आवर में तो एकदम भुचाल है। यस सर, हाफ एन आवर है। चलिए गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्वर्ट 7 PM दैट आल्सो इन एडवांस। 7 में क्या सर? कन्वर्ट 7 PM आल्सो इन एडवांस। धीरे धीरे होगा, हालांकि 7 से मैंने दो बच्चे हैं उठाए हैं, एक सिमरन है और एक अमन है। अमन के पास टाइम नहीं है, सिमरन की इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो रही है तो इस बैच में रखा है उनको। अमन अभी सीख ही रहा है बेचारा, बट टाइम नहीं है इसके पास। तो एनीवेज गाइस, चलिए प्लीज फॉर्म टू टीम्स गाइस। मंजू मैम का वो मैसेज आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट। ओके, कैन आई सेंड हर द लिंक? एक मिनट, मैं ये स्टॉप करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके ठीक, एक दिन ना सारा आपका कंडीशनल जोड़ जोड़ के एक बड़ा वीडियो बना दूंगा। ओके गाइस, सेकंड, ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट कंडीशनल थर्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। ओके, कंडीशनल थर्ड। ओके, इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इसका एक्शन पार्ट। किसी भी किताब में देखेंगे तो एक्शन ही ज्यादा लिखा होता है और चलता भी ज्यादा है। तो पहले हम एक्शन को कंप्लीट करते हैं गाइस। दिस कंडीशनल मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे यूज होता है देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक लड़का है, ओके, एंड यहां पर एक लड़की है। ये प्रेजेंट टाइम है, दिस इज द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फाइन। और अचानक इस लड़के ने देखा कि जहां लड़की खड़ी है वहां एक पंखा है, और ये पंखा इसके ऊपर बस गिरने ही वाला था कि इस लड़के ने इसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया,
एज ए रिजल्ट पंखा नीचे गिर गया। घटना घट गई, प्रेजेंट में खड़े थे, सब कुछ हो गया। अब इसी प्रेजेंट में पंखा गिरने के बाद अब ये लड़की कह रही है कि अगर तुमने मुझे पुल नहीं किया होता तो ये पंखा मेरे सर के ऊपर गिर जाता। अब ये बताइए कौन सा कंडीशनल हुआ, ये थर्ड कंडीशनल, थर्ड सर। तो थर्ड के अंदर आप एक जिंदगी को जीते हैं और फिर आप उसके बाद आप कल्पना करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े होते हैं। ये पंखा, इस पंखे से इस लड़की का जुड़ा होना, ये सब कनेक्टेड है। अब ये कल्पना कर रहे कि नहीं, अगर तुम नहीं खींचते तो मेरे सर पे गिरता। क्या सर पे गिरा? नहीं गिरा ना, तो कल्पना ही तो है। तो अब कंडीशनल थर्ड ऐसे सोचिए, एक और एग्जांपल देता हूं, पहले सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन ये है कि अगर ये आप हैं और आपने, आप रोज अपनी कार यहां पर पार्क करते हैं, दिस इज योर पार्किंग प्लेस, यहां पर आप पार्क करते हैं, लेकिन आज आपने अपनी गाड़ी यहां पर पार्क नहीं की। आज आपके मन में क्या आया कि आपने अपनी गाड़ी कहीं और पार्क की और आपने देखा कि यहां पर अगर किसी की, किसी दूसरे की कार यहां पर, मान लीजिए किसी और की कार यहां पार्क हो गई, तो आपने कहीं और पार्क की, अचानक वहां पर एक बुल आया। बुल समझते हैं आप लोग? यस सर। हाँ, एक बुल आया और इस बुल ने इस कार को हिट करना शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि यार अगर मैंने अपनी कार यहां पार्क की होती तो ये बुल मेरी कार को हिट करता। सिचुएशन आ रहा है समझ में? यस सर। ये सिचुएशन है, ये एक रेलवे ट्रैक है, यहां पर गलती से एक बच्चा गिर गया और यहां पर ट्रेन भी आ रही है। अचानक आप आए, आपने इस बच्चे को खींच लिया, बच्चे को आपने बचाया। अब आप कल्पना करेंगे कि अगर मैंने नहीं खींचा होता तो इस ट्रेन ने इसको कुचल दिया होता। ये है कंडीशनल थॉट। अब हम इस पे काम करते हैं। चलेगा, सो ओनली पास्ट चल रही है, टोटल पास्ट है जी। और ये तो मैं आपको पास्ट को बहुत ही प्रेजेंट में दिखा रहा हूं कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं, प्रेजेंट में आपने ये खींचा तो ये भी तो पास्ट ही हो गया ना, आपने खींचा बचाया। अब ये सब तो घटना घट गई, उसके बाद भी आप बात करेंगे तो कंडीशनल थर्ड ही कहलाएगा। और अगर आप इसको बिल्कुल बासी कर देना चाहते हैं, आपने इस लड़की की जान बचाई, आप बिल्कुल आप घर आ जाइए, आप कल होके बात कीजिए, आप कुछ भी कर लेंगे, आप इस घटना के बारे में ही बात करेंगे ना, वो तो पास्ट हो गया ना। ये समझ में आ रहा है? यस सर। आप घर जाके बात कीजिए, आप दो दिन बाद बात कीजिए। चलिए, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि इफ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इफ के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लगाना है हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है, अगर आप इसका नेगेटिव करना चाहते हैं तो इफ सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हैड प्लस हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब इसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को देख लीजिए। रिजल्ट में आपको बोलना है सब्जेक्ट प्लस, आपको वुड के तुरंत बाद एक हैव लगा के ही चलना है, वुड हैव चाहिए ही चाहिए, वुड हैव के साथ चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद एक और इसका स्टाइल है, वुड हैव भी होगा, और अगर आप चाहते हैं कि वुड हैव के बाद आप स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिन, या बिन, यानी कि बी का थर्ड फॉर्म। कहीं ना कहीं आपको थर्ड फॉर्म तो चाहिए। यस सर। तो बी का थर्ड फॉर्म बिन आपका हो गया, और इस बिन के बाद आपको पता है आप स्टेट ऑफ बीइंग दिखा सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग जैसे अच्छा, बुरा, कमरे में, छत पर। अब आप चाहते हैं कि आप भाई इसको कंटिन्यूटी में दिखाएं, आईएनजी में दिखाएं, तो वुड हैव भी चाहिए, बी का थर्ड फॉर्म बिन भी चाहिए, और उसके बाद फिर एक वर्ब में क्या चाहिए? आईएनजी, आईएनजी सर, इतना आपको लगाना पड़ेगा। ये है सर, नेगेटिव में ये कंटिन्यूटी, रिजल्ट में वो नॉट ही तो लगाना होता है, वुड नॉट हैव बीन कर देंगे, यहां नॉट लगेगा। ओके, अगर मुझे इसके अंदर मान लीजिए पोजीशन दिखाना पड़े तो रिजल्ट में पोजीशन वुड हैव हैड, तो हां ये हैव भी रहेगा, और एक और यहां पर हैव का थर्ड फॉर्म हैड लगाना पड़ेगा।
उसके बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, कार, मोबाइल, पेंसिल, ये रिजल्ट का पोजीशन है, इफ वाले का पोजीशन नहीं. करके देखते हैं कुछ. यस सर. तो अगर मैंने उस लड़की का हाथ नहीं खींचा होता तो पंखा उसके सर पर गिर जाता. इफ आई हैड नॉट पुल्ड पुल्ड हर हैंड द फैन हैड fallen down fallen on her on her on her on her head or on her head on her on her head. हालांकि प्योर ग्रामर तो कहता है कि ऐसी चीजों में ऑन टू लगा दो या अपॉन लगा दो, बट ऑन भी चलेगा, कोई नहीं, स्पोकन में चलता है. तो हमने इस पे ध्यान देना है. नेगेटिव है तो हैड नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया, ये देख लीजिए, और यहां हमें वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाया है. ये है. अब आप सोचिए अपने लाइफ में कैसा क्या हो जाता तो क्या नहीं हो जाता, कुछ ऐसा सोचिए. एनीवन? अगर मेरे पास ग्रेजुएशन, अभी सिर्फ अभी आप एक्शन में सोचो, एक्शन में सोचो. इफ आई हैड डांस्ड आई वुड हैव वॉन द प्राइज. ठीक है. इफ आई हैड डांस्ड आई वुड हैव वॉन द प्राइज. करेक्ट करेक्ट. सर अगर मैंने अच्छे से तैयारी की होती तो एंट्रेंस क्रैक कर सकता था. इफ आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल थरली यस आई वुड हैव क्रैक द एंट्रेंस. श्योर सर, अगर यहाँ पे शायद मैंने किया होता तो ये फुड हो जाता. क्या माइट हैव यस सर. तो अब मैं चाहता हूँ पहले इस पर हम एक दूसरे से खूब सारा देख देख कर बातें करें, एक दूसरे को देखिए और बातें पूछिए. मंजू की प्रैक्टिस कराइए, हिंदी बोलिए कि ट्रांसलेट करिए. मैं अपने भाषण दिया तो मुझे प्राइज से सम्मानित किया था. सर योर वॉइस. सर आई एम फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम. I am not able his to voice was breaking. His voice was breaking. Yeah. Your voice is good. Jahangir voice is breaking. Yeah. Okay. So Manju is able to hear. Repeat again. Sometime yes, sometime no. अच्छा sometime. The network is sometimes होगा. Sometimes. Yeah. Okay, fine. Then Anjali से पूछिए. Ask some questions. Anjali is going to reply. Okay. Anjali ma'am, अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो मैं एग्जाम पास कर जाता. If I had studied properly, I would have passed my exam. Correct, sir? अगर मैं जहांगीर रहने दो, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है. और कोई पूछिए. अंजलि, अगर मैं उस दिन बीमार नहीं होती तो उस दिन फर्स्ट प्राइज जीतती. इफ आई हैड नॉट इल दैट डे आई वुड हैव क्या था लास्ट में, आई वुड हैव वोन द ये थोड़ा सा गलत है सुनीता. एक्चुअली नहीं, स्टेट ये मत पूछ, सिर्फ एक्शन पूछिए. होती होती मत पूछ, ये नहीं करती तो वो होता है. अगर मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो अभी मैं कहीं और होता. इफ आई हैड मिक्स, आई थिंक सर मैंने मिक्स पूछ लिया ना, स्टेट ऑफ बीइंग वाला हो गया रिजल्ट. अंजलि, अगर मैंने उसे थप्पड़ मारा होता तो मैं आज जेल में होता. अगर आप आज लगा देंगे तो वो मिक्स्ड हो जाएगा. आप प्लीज आप मंजू को कंफ्यूज्ड कर देंगे मिक्स्ड बोल करके. आप ऐसा पूछिए जैसा अभी मैंने आपको सिचुएशन दिया है ना, वैसा पूछिए.
सर वॉइस इज कम है सर. अगर मैं चंदन सर का क्लास एक साल से लिया होता तो इंग्लिश बोल रहा होता. If I had learned चंदन सर's क्लास I would have. What was your question? English बोल रहा होता. English बोल रहा होता. I would have been speaking English. I would be speaking English. I think ma'am. I would have been speaking. I think ma'am ने बोला था class लेने के लिए बोला ना. Class लिया होता. No speaking. अगर मैंने सर ये क्लास पहले ले ली होती तो मैं इंग्लिश सीख चुका होता. If I had taken his using चंदन सर क्लासेस I would have been speaking English. करेक्ट है. I would have been speaking English. I would have spoken English. नहीं speaking we are continuing. Continuity है इसमें. हाँ continuity show कर रहे हो. Yeah. अगर मैंने पापा की बात मान ली होती तो मुझे इतने ठोकरे नहीं खानी पड़ती. If I had listened my papa I would have not so okay father I would have not मंजू म्यूट. I would having भी बोल सकते हैं having hard time या bad time. I would have not seen this bad time. Suffered. I would have not suffered these days. अगर मैंने सुबह खाना बनाया होता तो मैं भूखी नहीं रहती. If I had a prepared food that day, I would not have been hungry. Next. अगर मैं विदेश गई होती दुनिया देखी हो अगर उस वक्त मैं विदेश चली जाती तो बात ही कुछ और होती. If I had gone to foreign that day, I would. Situation would have been different. Next का नहीं आएगा. Next sentence क्या? Situation would have been different. Situation would have been different. अगर मैंने उसे दिल्ली भेजा होता तो अब तक मेरा मोबाइल आ जाता. If I had sent him Delhi, he would have been brought my mobile. He would have brought my mobile. Yes. अगर मैं दिल्ली गया होता तो मैं केजरीवाल से मिलता. If I had gone to Delhi, I would have met Kejriwal. Met Kejriwal. अगर उसने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम क्या करती? If he had not saved you, what would you do? What would you have done? Okay. अगर तुम्हें गुस्सा आ गया होता तो क्या तुम उसे जान से मार देते? If you had got angry, would you have killed him? लिख लीजिए. Would have तभी लगता है जब दोनों काम completed हो. जान से मार दिया होता काम डन हो चुका होता तभी आप वो लगाएंगे. कोई अगर ऐसा बोलेगा ना कि आज तुम कमरे में होते और आज छत पर होते
तो फिर वही मिक्स्ड होगा, मैं बाद में कराऊंगा। yeah. मैं नहीं चाहता कोई भी हो जाएगा उसे, इस तरह का कोई छेड़े इसमें। आप कुछ ऐसा सोचो जिसमें टुडे वाली फीलिंग ना हो, या तो आप सक्सेसफुल बन चुके होते, एकदम बन बन कर तैयार हो गया मान लो, तो हम कैसे बोलेंगे तुम सक्सेसफुल हो चुके होते, यू हैव बीन सक्सीडेड, या बीन लगा दिया तो आप सक्सेसफुल कह दो, यू हैव बीन सक्सेसफुल। ओके, तुमने उसे डाइवोर्स दे दिया होता, अगर ऐसा बोलना है, यू वुड हैव डाइवोर्स्ड हिम कर सकते हैं। उसने तुम्हें जान से मार दिया होता, ही वुड हैव किल्ड यू। अब मुझे अगर बोलना है कि कल तुम रो रहे होते, you have been crying. Yes, लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अगर टुडे लगा दूंगा तो फिर हैव बीन नहीं लगा सकते, दिक्कत ये है। yes, समझिए सर, अगर टुडे में फिर क्या बनेगा, वो वुड बी क्राइंग हो जाएगा। ओके, वुड बी क्राइंग, दिक्कत ये है। हैव बीन का मतलब ही कि आपको पास्ट की तरफ खींच के ले जा रहा है। ओके सर। ओके, अब आप सोचो कि अगर उसने मुझे प्रपोज किया होता कैसे होगा, if he had proposed me. तो मैंने उससे शादी कर ली होती, I would have married him. गॉट भी लगा सकते, जब मैरी से काम चल ही रहा है, क्या दिक्कत। कभी भी ये बोला होगा ना, विल यू मैरी मी, यही चलता है। ओके, और अगर उसने तुमसे शादी की होती तो मैं उसे मार देता। If he had married you, I would have killed him. और अगर तुमने उसे मार दिया होता तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेती। If you had killed him, police would have arrested you. कंडीशनल थर्ड बहुत यूज होता है। और अगर पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेती सर, अगर मोहम्मद म्यूट योर माइक, इफ पुलिस हैड अरेस्टेड यू, उसने तुम्हें कूट दिया होता, यू हैड बीन अब पुलिस को मैं ही तो नहीं कह सकता, दे कहेंगे, brutally thrashed sir. एक और आता है ना, clobbered है, clobbered yes sir. They would have clobbered you. Sir, अगर तुमने exam attend किया होता तो क्या तुम pass कर जाते? If you had taken the exam, would you have passed it? मतलब exam. Yes, sir. Okay, अगर तुमने मना किया होता तो क्या मैं चला जाता? अब मना करना क्या है? Refuse, deny, कि कौन सा है? Deny. मान लीजिए आप कुछ ऑफर दे रहे होंगे, रिफ्यूज कर रहा हूँ। If you had refused my proposal, मैं चला गया होता, अगर तुमने उसे छुआ भी होता ना तो मैं तुम्हारी उंगलियों को काट देता, चॉप कर देता। बराबरी से एकदम एक बराबर। ओके फाइन, तो अगर मैंने कॉल सेंटर में काम नहीं किया होता, मैं फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं सीखता, I would not have learned fluent English.
ये हर रोज इस्तेमाल होता है इस टेंस का। जैसे कि अगर तुमने मेरे कैमरा को नहीं थामा होता तो गिर जाता। You would have not held my camera. It would have fallen down. And if it fell down, if it had fallen down, it had fallen down. It would have broken. It would have broken. और अगर ये टूट जाता तो मैं तुम्हें किल कर देता। और अगर मैं तुम्हें किल करता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। वाह वाह, स्टोरी बन गई। ठीक है जी, ओके। अब इसका इसी का एक आता है पैसिव, जो रिजल्ट का पैसिव आप लगा सकते हो। आप चाहो तो दोनों का पैसिव बना सकते हो कि अगर तुम्हारे द्वारा मेरे कैमरे को नहीं तोड़ा गया होता, कैसे होगा? इफ माई कैमरा Had not been broken by you. तो तुम्हें नहीं पीटा गया होता। You would have been beaten. तो ये तो मैंने जानबूझ के दोनों पैसिव किया। हालांकि रिजल्ट वाला पैसिव ज्यादा होता है। जैसे अगर पुलिस वाला कुछ पत्नी पति से कह रही है, अगर तुमने उस लड़की को नहीं घूरा होता तो तुम मुझसे पिटते नहीं। If you hadn't not been beaten by me. अगर तुमने मुझे उस वक्त कुछ पैसे दिए होते तो तुम्हें डांट नहीं पड़ती। अगर मैंने एंजॉय नहीं किया होता तो मैं अभी पढ़ रहा होता। फिर अभी आ गया तो वुड भी करना पड़ेगा। अच्छा, वुड भी, यस सर। अभी आपको प्रेजेंट से रिलेट मत कीजिए। सर, अगर मैंने इसको मारा नहीं होता तो मैं पकड़ा नहीं जाता। तो ये एक्शन था। अब मुझे लगता है ये समझ में आ तो रहा होगा, एक्शन। यस सर, यस सर। अब सर, अगर कंटिन्यूअस में अगर इसका पैसिव हो जाए तो सर, कंटिन्यूअस में पैसिव में एक्स्ट्रा बी लगाना पड़ेगा, फिर बींग लगाना पड़ेगा। जैसे तुम कल कार नहीं, जैसे कल तुम्हें पीटा नहीं जा रहा होता, यू वुड नॉट हैव बीन बीटन। अब मैं बार बार कहता हूँ कि इंडियन ग्रामर वाले जो है वो ये छेड़ते ही नहीं टॉपिक, क्योंकि इंडिया में अलाउड ही नहीं है। मतलब साफ मना करते नहीं होगा। एक ही बंदा है, उसका बुक कभी पढ़ लेना, माइकल सॉन। स्पेलिंग इंग्लिश बुक लिखता है, राइटर है। हमेशा ना जब भी पढ़ो तो अंग्रेजों की किताब को पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, बट जिसका जो अंग्रेजी जहां से आया उसी को पढ़ो ना, वो ज्यादा बेटर है ना। यस सर, यस सर। बस इंग्लैंड से बिलोंग करता है ये। एक बार ढूंढना जरा गूगल पे, लिखोगे ना गूगल पे माइकल सॉन ग्रामेरियन, माइकल, तो एक बार देख लेना, जरूर होगा ये बंदा। मैं इसकी किताब है मेरे पास, कहीं ना कहीं होगी पीडीएफ वगैरह, कहीं होगा मेरे पास। प्रॉब्लम है सर, एक और बुक है जो आपने वो दूसरे चैनल पर, उसके बहुत सारे एडिशन है, तो फोर्थ एडिशन आपके पास है, तो कौन सी है? आप शायद थर्ड होगा कि फोर्थ, देखना पड़ेगा। Yes. इसको तो मैंने फेमस कर दिया, कौन जानता था इसको, रेमंड मर्फी को। रेमंड बहुत अच्छी है, लेकिन इसको इंडिया में मैंने फेमस कर दिया। तो सर, आपके इसके लिंक लगा दो। तो ये सब इसको तो पता भी नहीं होगा कि इसका इतना प्रचार मैंने कर दिया।
आपने तो टेलीग्राम में छोड़ दिया, फायदा हो जाए किसी का भी, फ्री प्रमोशन सर चलता है। एनीवेज गाइस, अंग्रेजों की किताब को ना थोड़ा सा वक्त लगेगा, जैसे इंडिया में एक अंग्रेज की किताब बहुत फेमस है, क्या रेनन मार्टिन कुछ ऐसा नाम है ना, और ये जो रेमंड मर्फी वगैरह है ये लोग ना चित्र बना के बड़े अच्छे से सिचुएशन देते हैं, सिचुएशन लेकर, तो इसीलिए ना ये मुझे पसंद आता है, ये भी बिल्कुल वही सोचते हैं, मैं आपको बोलता हूँ सिचुएशनल इंग्लिश पढ़ाते हैं, जैसा पढ़ाते हैं ऐसे ही, तो ये इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, मैं चाहता हूँ मेरे सारे व्यूवर्स अंग्रेजों की किताब पढ़े तो ज्यादा आपको फायदा पहुंचेगा, और जिस दिन मैं अपनी किताब बना लूंगा उस दिन तो पढ़ ही लोगे, उसमें क्या है, लेकिन फिर तो हम आपकी पढ़ेंगे बिल्कुल सर, तब भी अंग्रेजों की पढ़ना मजा आता है, लेकिन हाँ सर, वो किताब भी आपकी अच्छी है, प्लिंथ पे, 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 वो है ना प्लिंथ से, वो गवर्नमेंट जॉब वालों की, नीतू सिंह की किताब, वो तो नीतू सिंह का है ना सर, इंडियन राइटर, तो उसमें उतना ही लिखा है जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो जाएगी, ज्यादा डिटेल नहीं, एसएससी वालों की सर, सर जो आपसे पीछे था ब्लॉग में सर, सो आपसे आगे बहुत आगे निकल रहा है सर, कौन, एक है पर्सनल इंस्टीट्यूट, उसमें जिसका 487 था, 4,87,000 था, उसमें आपका 5,76,000 था, अब वो 6,00,000 से क्रॉस कर रहा है, ओके देखिए सर इतना अच्छा पढ़ाते फिर भी पीछे, अभी बच्चे कैंडिडेट पढ़ाते हैं, लोगों को अभी भी चुका चुकी ही चाहिए, उससे ज्यादा आगे नहीं आ पाते हैं सर, होता है टाइम लगेगा, पीछे सर पीछे था, एक्चुअली पहले ना मैं ये बोलता नहीं था सब्सक्राइब करो, अब ना मैं भी कहना शुरू कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब पर संडे से लाइव कराता नहीं सर, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, अगर आप दे रहे हो वैल्यू तो सर अच्छी चीज है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी आजकल बोल रहा हूँ कि नहीं सर, लेकिन बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर आपके अभी भी, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब ये वो हो गया ना कि अंदर की ना अंदर आत्मा नहीं मानती, हम बोल दिया करेंगे सर, जमाना बदल गया सर, प्लीज आप ही बदल जाइए, मतलब वो जो एक होता है ना कि अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बार बार कह रहे हो सब्सक्राइब करो, मैं पागल है क्या है सर, और किसी किसी ने तो तोड़ दो फोड़ दो ऐसा करके सब्सक्राइब वाले बटन को, सर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी खून की प्रॉब्लम है सर, और लोग ऐसे हैं कि जैसे जो व्यूअर्स होते हैं ना वो भी बार बार सब्सक्राइब नहीं सुनना चाहते, वो 10-10 सेकंड आगे बढ़ा देते हैं कि भाई छोड़ ना यार, बिल्कुल बिल्कुल एकदम वो यही बात बोलता है, तो अपलोड नहीं कीजिएगा सर, मतलब काम ही अच्छा करो कि भाई जो भी देख रहा है वो पहले ही उसको अच्छा लगे, मतलब पहली बार ब्लॉग में तो मैं अक्षत से सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ कि तू ही बोल दे भाई सर सर वो भी आप पे गया है, शर्मा के बोलता है फाइन गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग देखते हैं भाई, मंजू को कंडीशनल सिखाइए, ओके तो अगर मैं कल की बात है मान लो, अगर मैं कमरे में होती तो मैं तुमसे मिलती, अब बताइए, इफ आई हैड बीन इन माय रूम आई वुड हैव मीट यू, आई वुड हैव, इसमें देखिए कॉमन सेंस यही कि हैड के बाद हमें V3 चाहिए, तो बी का क्या होगा, बीन होगा, सिंपल, इफ हैड बीन, हैड बीन, उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग लगा दीजिए, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है अच्छा बुरा बीमार कमरे में जो भी है, ये लगा, मंजू है, मंजू आर यू देयर, यस सर, ओके आप ही के लिए हो रहा है सब कुछ, ओके आई नो सर, सर प्लीज सेंड मी दिस रिकॉर्डिंग वीडियो बिकॉज़ आई विल यस श्योर, ओके तो अगर मैं क्या था कमरे में होती, इफ आई हैड बीन इन द रूम मैं तुमसे मिलती, आई वुड हैव मेट यू, अगर मैं बीमार नहीं होती तो पार्टी अटेंड करती, I would have attended the party, fine. और कुछ सोची जो पास्ट में ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं अपने पापा के साथ नहीं होता तो मैं खेल रहा होता, मान लो कल ही की बात है, कल ही खेल रहा होता, yes, बिल्कुल पास्ट होना चाहिए, दोनों पास्ट होना चाहिए, अगर मैं दोस्त के साथ बिजी नहीं होता तो मैं पढ़ रहा होता, इफ आई हैड नॉट बीन
busy with my friend. I would have कल ही पढ़ रहा होता तो I would have been studying. Studying. Fine. अगर कल मैं injured नहीं होता तो मैं सारे काम कल ही कर लेता. If I had not, actually ये winter season में ना type ही नहीं हो रहा है. If I had not, उंगलियां सर काम ही नहीं करती. Yes. If I had not been injured, तो क्या था मैं? सारे काम कल ही कर लेता. अच्छा, I would have done. अगर मैं उस दिन उसके घर पर होती तो मैं उसको नौकरी ऑफर करती. अगर मैं कहाँ होती सर, अगर मैं उस दिन उसके घर पर होती तो उसको नौकरी ऑफर करती. इफ आई हैड बीन उसके घर पर एट हिज या हर होम दैट डे उसे नौकरी ऑफर करती. आई वुड हैव ऑफर्ड. आई वुड हैव ऑफर्ड हिम या हर अ जॉब. ये अगर तुम उस यस अगर तुम कल उसके पास होते तो क्या तुम उसे प्रपोज कर देते? इफ यू had been with her या near her, कुछ भी आसपास है तो near, उसी के साथ होते तो with her. Yes sir. सर, अगर मेरे looks average नहीं होते तो उसने हाँ कह दिया होता. ये फिर वर में आ जाएगा क्योंकि है तो है, वो बदल नहीं सकता ना. ओके, ये वर में आ जाएगा कि if my looks were not average. सॉरी, ये ऐसे ही बनता है क्या ये? हाँ हाँ, ये मिक्स्ड हो गया. शी वुड हैव क्या था, प्रपोज एक्सेप्टेड क्या था? यस, हाँ कह दी थी. हाँ ठीक है, शी वुड हैव एक्सेप्टेड माय प्रपोजल. सर पर ये लुक की बात कल हो रही है ना, कि कल अगर लुक अच्छी होती तो होने की बात है. मैं अभी बता देता हूँ, मिक्स में हम तो सीख ही लेंगे. कुछ ऐसी चीज है जो बदल नहीं सकती लुक. आप मतलब कोई अगर प्रेजेंट में भी तो एवरेज है ना. मान लो कोई गोरा है तो गोरा है, कोई काला है तो काला है, है तो है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं. यस सर, इट मींस ये वर्ष से ही इसको बनाना पड़ा. जैसे मैं अगर लड़की होती है, ऐसा भी होता है. जैसे मान लो अगर एक बंदा ऐसे कह रहा है, मिक्स थोड़ा सा बता दो, समझ में आ जाएगा. यस सर, यस सर. जैसे एक बंदा कह रहा है कि अगर मैं चिड़िया होता तो कल मैं उसके शोल्डर पे बैठ जाता. आप बताओ. इफ आई वर अ स्पैरो. तो ये हो गया कि ये तो आप चिड़िया हो नहीं, ये तो झूठ को आप सच मानना चाह रहे हो. वर लगाना पड़ेगा. अब आप चले जाओ पास्ट टेंस में. मैं कल बैठ जाता ना. आई वुड हैव ऑन हर शोल्डर. इसको बोलते हैं मिक्स्ड कंडीशनल. और ये मतलब ये हो गया ये कंडीशनल सेकंड और ये थर्ड, यानी कि 23. तो ये बस इसमें ऐसा समझना कि जो रियलिटी है उसको बदल नहीं सकते हैं. अब एक इंसान चिड़िया नहीं हो सकता है कभी. बिल्कुल सर. तो अगर वो कुछ भी बात करेगा तो वर ही लगाएगा यहाँ पर. रिजल्ट को कहीं भी ले जा सकते हो. यस सर. चले गए तो इस पे भी थोड़ी बहुत बात थी. अच्छा, टाइम भी होने जा रहा है, थोड़ा बात कीजिए फिर आगे देखते हैं. आज ये कंप्लीट है, कोई बात नहीं. आज हम इसका एक पोजीशन देखेंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा. पूछिए, एक दूसरे से पूछिए कुछ. अगर कल मेरे पास हेडफोन होता तो मैं अपने वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता. पोजीशन हो गया. अगर मैंने थोड़ी जल्दबाजी की होती तो मुझे वो जॉब मिल जाती. If I had made hurried, I would have got that job. पता नहीं, जल्दबाजी का तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं. ठीक है, मेड बोली दिया तो हरी. यस हरेड की जरूरत नहीं सर, हरी बोलना पड़ेगा. इफ आई हैड मेड हरी. इससे भी अच्छा है कि इफ आई हैड बीन इन अ हरी. ये भी हो सकता है कि मैं जल्दी में होती. इफ आई हैड बीन इन अ हरी आई वुड हैव गॉट दैट जॉब.
अगर मैं कल उदास नहीं होता तो मैं सारे लोगों से मिल पाता. If I had been not, एक ना जरा, if I had not been, एक गूगल पे ढूंढिए एक फ्रेज आता है इन अ हेस्ट, ये भी जल्दीबाजी को दिखाता है. इन अ हेस्ट यस सर, एक बार ढूंढ लीजिएगा कंफर्म होने के लिए. तो ये हो सकता है इफ आई हैड नॉट बीन इन अ हेस्ट, ये भी हो सकता है. ढूंढ के बताइएगा. इन अ हरी भी तो होता है सर. हाँ हाँ वही बात है. एक और इन अ हेस्ट भी एक किसी इंग्लिश मूवी में इसको मैंने सुना था. हाँ होता है सर, होता है, मैंने देखा है कितने बार इसको. इन अ हेस्ट होता है ये. सर हाउ यू रिमेम्बर सो मच सेंटेंस. एक्चुअली इन 2015-16 ना आई हैड टेकन अ प्लेज कि मुझे इंग्लिश मूवीज को वॉच करना है. एक एक जुनून सा हो गया था. I started watching और फिर और मैं ऐसे सुनता था क्योंकि उनके एक्सेंट समझ में नहीं आते ना जल्दी. तो हेडफोन लगाकर और आराम से फुर्सत से कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था उनको मैं सुनता था. उनके जो अच्छे उनके जो स्लैंग्स होते थे उनके वहां के जो वर्ड है उसको नोट डाउन करता था ताकि एक स्लैंग की पूरी सीरीज बना सकूं. तो फिर सर मूवी का मजा कैसे लेते थे? मैं मजा लेने के लिए नहीं, इंग्लिश के लिए करता था ना. Oh my God. इंग्लिश के लिए आपको करना है क्योंकि अब स्लैंग में कहां से लाऊं. मुझे स्लैंग चाहिए थे तो मुझे मूवी से स्लैंग उठाने थे जो रियल चलते हैं मार्केट में. तो सर एक मूवी एक बार देखते थे दो बार? मैं तो टुकड़ों में देखता था, ज्यादा वक्त तो होता नहीं था, टुकड़ों में देखता था, थोड़ा देख लिया, नोट कर लिया. उससे मैंने कई वर्ड्स निकाली थी. उसको स्कूट ओवर मुझे एक वहां से मिला था. अब जैसे हम कहते हैं ना कुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? यस सर. वो कहते स्कूट ओवर, स्कूट ओवर. Yes, sir. तो वो मुझे वहां से मिला था. हम कहते हैं व्हाट द हेल, आजकल वो कहते हैं व्हाट द हेक. अब हेक हो गया उनका. हेक. तो अब हेक. एक बार ये भी ढूंढ लेना व्हाट द हेक, कहीं पर लिखकर ढूंढ लीजिएगा. सर हेक भी बोलते हैं बहुत, डैंग भी बोलते हैं. हाँ तो क्या क्या बोलते हैं तो उनके स्लैंग है कोई कहीं क्या. सर इन अ हसल मीनिंग इज हड़बड़ाहट लाइक जल्दबाजी. हां वो हसल बस हड़बड़ाहट. या ठीक है. तो और थोड़ा पूछिए, अब मंजू से पूछिए, ऑडियो सही है उनका. सर गूगल में ये देखा ना व्हाट द हेक में HECK ना सर. हां HECK. हां व्हाट द हेक उसका कभी गूगल में आज भी दिखा रहा है क्या, बिल्ली है ऐसा दिखा रहा है सर. नहीं 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 उसका मतलब ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस, ऐसे बोलना चाहता है. हेल वाली फीलिंग है. हां वो चेंज कर दिया सर. इम्मा एक स्लैंग है क्या सर? इम्मा है कि क्या है? IMMA. अरे वो आई एम आयम का आयम. कुछ नहीं है आयमा का. हाँ, आयम आयम का ही है वो सर. ऐसे आजकल लोग तो कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन एम गोना का बोलते हैं एम ना ऐसे बोलते हैं. कभी जाके इम्मा मत बोल देना किसी को. बड़ी मुश्किल है मेरे को समझ में आता कि लेक्मी को लेमी बोलते हैं वो लोग. लेमी वही वाली. लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग फॉर यू. पूछिए गाइस, पूछिए टाइम कम है, पूछिए. अगर मैं कल उस पार्क में होता तो पार्क के दरवाजा बंद कर देता. इफ आई हैड बीन इन दैट पार्क. अरे मंजू को जा. आई वुड हैव क्लोज द डोर. अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ होता तो उसके साथ क्या होता सर, ब्राइब ब्राइब के प्लानिंग बना रहा होता. रिश्वत की प्लानिंग बना रहा होता. ओके इफ आई हैड बीन विद अ किसके साथ? सिक्योरिटी गार्ड आई वुड हैव बीन मेकिंग प्लानिंग ऑफ रॉबरी. अगर कल मैं भाग गई होती तो भी गई होती. इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव बीन वेट got wet drenched ज्यादा अच्छा है. I would have got drenched. Okay fine. तो हम अब सीखेंगे इसका जो पोजीशन है ये मुझे सबसे खराब लगता है पोजीशन इसका. स्पोकन इंग्लिश में I had yes sir, but sir it sounds good. तब भी आपको तो बड़ा अच्छा ये लगा लेकिन ये बड़ा खराब लगता है कि had दो बार बोलो ना सर. I had उस दिन अंजलि कह रही थी ना कि हम क्या वर बोलते हैं तो लोगों को लगता है गलत इंग्लिश बोल रहे हैं. कुछ ऐसा था ना अंजलि? यस सर.
वैसे ही अगर आप ये बोलोगे ना कि इफ आई हैड हैड मनी, तो या तो आपको ज्यादा ही पढ़ा लिखा समझेगा या खराब ही समझेगा। तो ये है कि अगर वो लोग मुंह में पूछ लिए तो हम बता सकते, जब मन में बोल के वो गॉसिप करने लगे तो पागल बना देते। अब बोलना है कि अगर कल मेरे पास पैसे होते तो ये ऐसे बोलेंगे कि इफ आई हैड हैड मनी यस्टरडे। तो मैं सर, अगर आपको भी अगर ये बोलना हो तो आप भी तो ऐसे ही बोलोगे ना सर कि कुछ और आप दूसरे तरीके। मैं भी खैर ऐसी तो मुझे नौबत कभी आती ही नहीं है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है, बट अगर आए मेरा टीचर वाला रूप कहेगा कि ऐसे बोलो, और वैसे नॉर्मल वाला कहेगा कि अभी एक ही हेड बोलना, कौन पकड़ रहा है। सर आल्सो यूज अ शॉर्टकट। लेकिन अगर मेरे सामने कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे ना जो ग्रामर जानते होंगे, तब तो मैं पक्का ये दोनों हेड लगाऊंगा, क्योंकि फिर उनको ऐसा लगेगा कि यार ये टीचर हो कि एक साथ गलत बोल दिया ना, वो गलत समझ जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर। फिर वो गलती मैं नहीं करूंगा, ये बात है। तो मैंने उसे उसकी मदद की होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ऐसे ये है। और सोचिए आपके पास क्या होता पास्ट में, तो आप क्या कर देते, कुछ ऐसा सोचिए। अगर मेरे पास एक अच्छी बॉडी होती सर, पास्ट में अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता। टाइम वाला तो सूट कर रहा है, बॉडी वाले में थोड़ा सा दिक्कत है कि यानी कि अभी सर कैसे बोलेंगे इसको, यानी कि अभी उसकी बॉडी अच्छी है, मतलब अगर मैंने बॉडी बनाई होती तो मैं अभी खराब है ना सर, अभी तो खराब है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर मेरी बॉडी अच्छी है, जैसे अभी भी खराब है और पास्ट में भी खराब है, तो उसको ऐसे बोलना चाहिए, मुझे लगता है मिक्स्ड पे जाना चाहिए। इफ आई हैड नॉर्मल कर लो, इफ आई हैड अ गुड बॉडी, अ गुड बॉडी मतलब कि ना अभी उसकी अच्छी है ना कल उसकी अच्छी थी ना दो साल पहले अच्छी थी, तो पूरा ही एक इमेजिनेशन ले रहा है। कैसे था कि इफ आई वर अ बर्ड, यस यस, वही वाली फीलिंग है, हम इसको सेकंड में उठा रहे हैं कि इफ आई हैड अ गुड बॉडी तो मैंने वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती, शी वुड हैव एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, ये ऐसे होगा। लेकिन अगर किसी का अभी सिक्स पैक बना है और वो कह रहा है कि अगर छह साल पहले मेरे सिक्स पैक्स होते ना भाई, अगर ऐसा बोलेगा तब वो हैड लगा सकता है दो बार, इफ आई हैड हैड सिक्स पैक्स छह साल टाइम सिक्स इयर्स अगो, तो मैं एक मॉडल बन जाता। I would have become. सर अगर मेरे पास कल कार रही होती तो मैं कल घूमने जाता। हाँ ये लगा सकते हैं। I had car yesterday. इसको सिंगल हेड नहीं बोलते। I would have gone for outing. Yeah, I would have said gone for outing. Yeah, gone outside कर दो। बाहर क्या? अगर मेरे पास सिंगल हेड में मत, अगर ये तब ये ऐसे होगा जैसे अभी भी उसके पास नहीं है, मान लो अभी भी कार नहीं है, दो साल पहले भी कार नहीं थी, है ही नहीं, उसको ऐसा चाह रहा है कि अगर होती, इमेजिनेशन है, तो नॉर्मल हेड रहने दो, ठीक है सर। और फिर उसको रिजल्ट में तो आप कहीं भी ले जाओगे, रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट पास्ट पास्ट। सर अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता। अब मान लो कि आपके पास अभी भी नहीं है तो आप नॉर्मल हैड ही करो, नॉर्मल हैड, ओके। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी और इसको वुड हैव कर दो, आई वुड हैव इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, इन शेयर मार्केट, यही एक ट्रिक है इसको पकड़ने का। खैर कोई नहीं, तो हम इसको ना कल इस पे मिक्स्ड करके, तो पहले आधा घंटा मिक्स्ड करेंगे फिर आधा घंटा आप लोग खूब बातें करना इस पर। यस सर। कल और इसको खींचते हैं। Yes, sir. इसको समझते हैं फुर्सत से कि बला क्या है ये, और उसके बाद बस। यस सर, 32-23। हाँ इसको कल करते हैं, फिर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि मिक्स्ड कंडीशनल में जो सेंटेंस के दो टुकड़े होते हैं, पहला टुकड़ा आपका कंडीशनल थर्ड में होगा और जो रिजल्ट वाला टुकड़ा है वो कंडीशनल सेकेंड में होगा। तो इसलिए जब हम इसको मिला देते हैं तो टोटल तीन और दो क्या बन गया, ये 32 बन गया। तो इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि भाई 32-32 का फॉर्मूला। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। सो एक चित्र के माध्यम से समझते हैं गाइस। सपोज दैट
देर इज अ बॉय, एक लड़का है, तो इस लड़के ने कल 100 किलो का वजन उठाया, 100 केजी का वेट उठा लिया। ये उठाया कब? कल उठाया, यस्टरडे। कल की कहानी हो गई। अब आज यानी कि टुडे इस लड़के के कमर में क्या हो रहा है जी? दर्द, पेन, पेन हो रहा है। ये टुडे है। तो यस्टरडे यानी कि पास्ट, पास्ट यानी कि कंडीशनल कौन सा? थर्ड। टुडे रिजल्ट क्या है? पेन है, तो रिजल्ट मतलब कंडीशनल सेकेंड, ऐसा होना चाहिए। तो बन गया ना 32। अब ये कैसे बोलेगा? अगर इसको बोलना है कि अगर कल मैंने 100 किलो का वजन नहीं उठाया होता, इफ आई हैड नॉट, इफ आई हैड नॉट लिफ्टेड 100 केजी वेट यस्टरडे, तो आज मुझे दर्द नहीं हो रहा होता, आई वुड नॉट बी फीलिंग पेन टुडे। ओके, अभी एकदम कंडीशनल आपका मिक्स्ड वाला है, 32 है ये, आराम से देख लीजिए। सर फीलिंग पेन के जगह पे हम लोग गेटिंग पेन कर सकते हैं क्या सर? गेटिंग नहीं, नहीं गेट नहीं, फील, ये सब फील में आता है, फीलिंग पेन, फीलिंग थर्स्टी, फीलिंग हंग्री। ओके, और कुछ आप सोचिए जिसमें कल और आज मिक्स हो, कि अगर अगर उसने मुझसे शादी कर ली होती, इफ शी हैड मैरिड मी, आज वो मेरी घरवाली होती, शी वुड बी माय वाइफ टुडे। ओके, आराम से बन रहा है। और सर अगर कल मैंने व्रत नहीं रखा होता तो, अगर मैंने कल मास्क लगा लिया, अगर मैंने कल व्रत नहीं रखा होता तो आज मुझे भूख नहीं लग रही होती। ओके, इफ आई हैड नॉट केप्ट फास्ट, इफ आई हैड नॉट, आई वुड नॉट बी फीलिंग हंग्री टुडे। सर एक है, अगर मैंने उसको प्रपोज नहीं किया होता तो आज हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग नहीं होती। ओके, इफ आई हैड नॉट प्रपोज्ड, मान लो कल परसों जब भी हो, सो आई वुड नॉट बी फीलिंग हार्ट ब्रोकन, फीलिंग हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन फीलिंग एज अ डिप्रेस्ड एज अ ब्रोकन, एक नया फ्रेज है, आई वुड नॉट बी फीलिंग एज अ, एक मिनट जरा, समबडी इज कमिंग। या ऐसे रहना, फीलिंग डिजेक्टेड अच्छा रहेगा, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब जो दिल टूट जाता है ना, बिल्कुल उदास हो जाता है, डिजेक्टेड। फन गाइस, सोचिए सोचिए सर, फीलिंग हार्ट ब्रोकन नहीं होगा। हाल मैं एक नया वर्ड बता रहा था कि हार्ट ब्रोकन अच्छा है कि एक डिजेक्टेड हो गया, या एक और इसके लिए कह सकते हो जिल्टेड लवर, मतलब ठुकराया हुआ प्रेमी, नए देवदास, देवदास कि मैं एक ठुकराया हुआ प्रेमी जैसा महसूस नहीं कर रहा होता, लाइक देवदास। अगर मैं कंपनी देता तो आज मुझे नौकरी नहीं मिलती, क्या करता मैं? अगर मैं कल इंटरव्यू नहीं दिया होता तो आज मैं नौकरी नहीं करता। देखिए, अगर नौकरी आज मिल गई है तो ये भी कहीं ना कहीं पास्ट हो गया है, ये देखने में टुडे है, बट नौकरी मिल जाना मतलब डन में आ गया, तो इसको तो नॉर्मल कंडीशनल थर्ड ही रखो कि अगर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया होता, इफ आई हैड नॉट फेस्ड एन इंटरव्यू, आई वुड नॉट हैव गॉट अ गॉट द जॉब, गॉट अ जॉब, ये तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, जो हो चुका है डन है वो तो ऐसे बनेगा। अगर कल मुझे एक्सीडेंट नहीं होता तो आज मैं
एग्जाम हॉल में होता। ओके ओके, कैसे होगा? इफ आई हैड इफ आई नॉट मैट विद एन मैट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे आई वुड बी इन द एग्जाम हॉल इन द एग्जामिनेशन हॉल डूड। ओके जी, और इसमें पोजीशन लगाइए, स्टेट ऑफ बीइंग भी लगाकर देखिए, कुछ लगाइए। कल आप कहाँ होते तो आज क्या होता? अगर तुम कल मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज जिंदा ना होती। वाह, इफ यू हैड नॉट मंजू हम कहाँ सीखा नींद ओके हैड नॉट बीन विद मी कब नहीं होते कल यस्टरडे I wouldn't be, eh? Wouldn't be alive today, okay. अगर मैं दिल्ली में होती थी तो मैं आज शादी अटेंड करती। If I had been in Delhi, ये दिल्ली में कब होती शादी अटेंड आज करती ऐसे कैसे? लेकिन शादी अटेंड करना सर, मुझे जाना था, मैं गई नहीं, समझिए। अगर ऐसा ऐसा इसको चेंज कर सकते हैं ना थोड़ा सा, कि अगर मैंने दिल्ली वाली ट्रेन मिस ना की होती, अगर इन्हीं का मैं ऐसे ही करूं, इफ आई हैड बीन इन दिल्ली तो यहां वुड हैव होना चाहिए ना, मैंने कर ली होती, वो तो कंप्लीट हो गया। आई वुड हैव अटेंडेड आज शादी में होती थी मैं, अगर कल मैं दिल्ली, लेकिन आज आई हैड बीन रीच दिल्ली Sir, would be will come, I think, second line. जैसे अभी कोई शादी में नहीं कह रहा, अभी मैं शादी में होती, ऐसा ना? Yes sir, शादी आज है। I would be in the marriage. मुझे तो लगता है कि normal जाएगा कि if I were in Delhi. क्योंकि आप अभी present में हो ना, आप दिल्ली में हो ना शादी में हो, तो ये totally एक imagination है। If I were in Delhi. I would be attending at the party. Oh, sorry, at the marriage party. क्या था? Marriage ceremony. I would be at the marriage ceremony. अगर मुझे पापा से पैसे नहीं लेता तो आज पार्टी करता हूँ। अगर मुझे डर नहीं लगता तो मैं आज फ्लाइट से ट्रेवल करता हूँ। देखिए डर कब नहीं लगता, ऐसा थोड़ी कल लगता है, ये भी एक वही है, झूठ है, कंडीशन से कहते हैं। वर में आएगा सर? इफ आई वर नॉट स्केयर्ड ऑफ, क्या था, फ्लाइट, एरोप्लेन, स्केयर्ड ऑफ फ्लाइट, तो आई वुड बी ट्रैवलिंग टुडे, मैं ट्रैवल कर रही होती, आई बी ट्रैवलिंग। सिंपल, ये कुछ ऐसे ऐसी रियलिटी है ना जिसको आप बदल नहीं सकते, झूठ है, मतलब बिल्कुल कोरी कल्पना, तो सेकंड में रखिए। सर अगर मैं बीमार नहीं होती तो आज पार्टी कर रही होती। हाँ ये हो सकता है, लेकिन बीमार फिर वही बात है कि बीमार अभी की ही बात हो रही है, जैसे अभी आप बीमार हो आप पार्टी नहीं कर रहे हो, कोई कल वल नहीं है, तब तो आप ऐसे बोलोगे इफ आई वर नॉट, इफ आई वर नॉट इल आई वुड बी अटेंडिंग द पार्टी, आई वुड बी पार्टिंग, आपको पता है ना पार्टी वर्ब भी है। आई वुड बी आई वुड बी डूइंग पार्टी, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आई वुड बी डूइंग पार्टी, आई वुड बी अच्छा नहीं एंजॉयिंग द पार्टी, आई वुड बी पार्टिसिपेटिंग द पार्टी, पार्टिसिपेटिंग चलेगा सर? अजीब सा लगा, ऐसा लगा कोई प्रोग्राम वो कर रहा है अपना परफॉर्मेंस देने। आपने ये नहीं सुना, लेट्स पार्टी, कम ऑन लेट्स पार्टी, लेट्स पार्टी, पार्टी वर्ब भी है, आई वुड बी पार्टिंग, yeah I would be partying. okay इसको जो कल मैं पापा से पैसे ले लेता तो मैं पार्टी करता हूं। अच्छा अगर कल ले लेता पैसे, if I had taken money from father yesterday तो आज मैं पार्टी करता। हां ठीक है, I would have नहीं, अगर जैसे would. अभी कहने का मतलब कि पार्टी अभी किया नहीं है, मतलब आज भी करता तो आई वुड ओके ओके ओके। और अगर लॉकडाउन नहीं हो,
ये कंडीशन सेकंड में चला जाएगा प्योर, तो मैं 31st एंजॉय करता करती करता ओके okay, अब मान लो कि अभी भी लॉकडाउन okay. है, अभी भी लॉकडाउन है, तो कंडीशन सेकंड होगा कि इफ देयर, और ग्रामर में पता है ना वर लगता है सब में, इफ देयर वर नो लॉकडाउन लॉकडाउन और 31st जैसे हमारा बीत गया तो हाँ, इसको ये पता है क्या 23 में चला जाएगा, आई वुड हैव ऐसे हो जाएगा, आई वुड हैव एंजॉयड एट 31st December. कैसे जाएगा मैं इसको समझाता हूँ, मान लेते हैं there is a boy, ये लड़का अमीर नहीं है, ये रिच नहीं है, अमीर को पता ना एक और आजकल वर्ड है affluent, ये रिच से भी ज्यादा मतलब अंबानी अडानी टाइप, ठीक है affluent, अभी अमीर नहीं है, तो ये अभी अमीर नहीं है, और ये सन 2010 में भी ये अमीर के कैटेगरी में नहीं था, न 2010 में अमीर था न ये 2022 में अमीर है, ये है ही नहीं। अब ये कह रहा है कि यार अगर मैं अमीर होता तो 2010 में ना वो लड़की मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती या वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती, अब क्या होगा, ये अमीर ना तब था ना अब है, तो ये जो अगर मैं अमीर होता ये होना चाहिए कंडीशनल सेकंड में, और मैं 2010 में वो मेरी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती, ये होना चाहिए 3, यानी कि बन गया 23 का। तो अभी कैसे होगा कि अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच ही वुड हैव एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। हम लोग कुछ ज्यादा बात नहीं करते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रपोजर। यस सर, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो उसका वुड हैव बीन, अगर बस पास्ट में ही होती, हाँ हाँ अगर होती, हाँ करेक्ट करेक्ट सही पकड़े, वुड हैव बीन हो जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड होती तो शी वुड हैव बीन, या अभी अगर होती मान लो तब तो प्रेजेंट की बात, तो वुड भी करना पड़ेगा, जैसे आज मेरी गर्लफ्रेंड होती तो शी वुड बी माय गर्लफ्रेंड। ओके, और अगर मुझे बोलना है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई होती तभी मैंने प्रपोज किया, तभी वो बन जाती ना, बनने का काम डन हो जाता, अ कंप्लीटेड एक्शन तो भाई पास्ट में जाएगा ना, शी वुड हैव बीन आता, हां वुड हैव बीन बन चुकी, वुड हैव बिकम, वुड हैव बिकम या वुड हैव बीन, वुड हैव बिकम माय ओके जीएफ मनोज, आर यू मैरिड? हे मनोज, आर यू मैरिड? मनोज बाबा, आर यू देयर? यस सर। यू आर मैरिड? यस सर। ओके, मोस्टली लोग यहाँ मैरिड ही है ना, है ना मिता? नो सर, आई एम नॉट मैरिड। ओके फाइन, आई एम आल्सो सर। सर आई एम मैरिड। कौन है? गिरीश भाई। अभी बोलेगा कि मैंने अपनी किताबों से शादी की है, कुछ है ना फिलोसफी करेगा। मैंने अपने गोल से शादी की है। एनीवेज फाइन गाइस, सो हमारे पास ये करेक्ट होता है एक सेंटेंस, अगर उस दिन मैं तुम्हारे कॉलेज में होता तो आज वो मेरी वाइफ होती थी। तो अगर मैं उस दिन कॉलेज में होता, उस दिन होता, if I had been in your college, in the that college, that day, us din, yeah, she would be my wife today. She hoti, ha ha, she would be my wife today. Aaj hoti, aur meri patni ban chuki hoti tab. Been. She would have been. Been लगाने से अच्छा become, क्योंकि इसमें become में कुछ होता हुआ दिखता है, कुछ बदला, real वाला, हाँ कुछ बदलता हुआ दिखता है,
ऐसा लगता है कुछ मूवमेंट है इसके अंदर. शी वुड हैव बिकम माय सर. वो मेरी वाइफ होती या बनती सेम जैसा है, बट फिर भी मैं इसको नहीं मानता हूँ. एक्चुअली आपको इतना तो पता है कि एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, और एक होता है चेंज इन स्टेट. मैं समझाता हूँ कैसे. अगर मैं कहता हूँ कि शी वॉज हैप्पी, ये स्टेट ऑफ बीइंग है. ओके मैं कहता हूँ ही वॉज सैड, स्टेट ऑफ बीइंग है. इसमें कहीं कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, बदलता हुआ नहीं दिख रहा है. लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ही गॉट सैड, कुछ पता चला क्या हुआ? अचानक कुछ हुआ, चेंज हो गया. ओके तो इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट. जब हमारी स्टेट में चेंज आ जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास एक गेट है, एक हमारे पास बिकम है. ये चेंज को दिखाता है. तो मैं कहता हूँ यार वो ऐसा हो गई, तो मैं शी बिकेम अगर बोलूंगा ना तो इसमें चेंज दिखेगा, होता हुआ दिखेगा. और अगर मैं सीधा बोलूं कि शी वॉज, तो ऐसा लगेगा कि वो पहले से थी, कुछ बदलता हुआ नहीं दिखेगा. कुछ आ रहा है समझ में? यस सर. और एक होता है कंटिन्यूटी इन स्टेट. कंटिन्यूटी इन स्टेट ये पता क्या होता है? रिमेन, सुना होगा कभी, रिमेन, स्टे, स्टे, कीप. ये सब कंटिन्यूटी को दिखाता है कि भैया जैसा था वैसे. जैसे कि अगर कोई बंदा क्या बोलते हैं चुप है, क्वाइट की स्पेलिंग यही है ना, क्वाइट, क्यू आई आई टी आई थिंक. यस सर, यस सर. ये है, दो होते हैं ना क्वाइट, एक शांत वाला और एक शायद ये है, एक बार देख लेना क्वाइट शांत वाला कौन सा है. सर ये तो क्विट है, क्विट है शायद. नहीं नहीं नहीं, क्विट नहीं है, क्वाइट है. एक बार देख लेना कि ये क्वाइट शांत वाला है या क्वाइट वो वाला है, कि कहते हैं ना क्वाइट गुड क्वाइट बैड. बिल्कुल सर, क्वाइट का मतलब बिल्कुल होता है. हाँ, वो बिल्कुल. आई एम क्वाइट वेल. हाँ तो ये देखना, ये क्वाइट बिल्कुल वाला है स्पेलिंग है कि शांत वाला है, एक बार देखिए. तो ये शांत वाला होगा सर. शांत वाला है ना? शांत वाला सर, शांत वाला. ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई बंदा क्वाइट है सर. अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए. मैं कहता हूँ कि ही इज क्वाइट, यानी कि वो क्या है? शांत है. तो शांत है मतलब स्टेट ऑफ बींग है. अगर मैं ऐसे बोलूं कि ही केप्ट क्वाइट, यानी कि शांत है और वो केप्ट मतलब शांति को उसने कंटिन्यू रखा, समझ रहे हैं? कंटिन्यू, वो चुप रहा मतलब जैसे वो चुप था ना उसी अवस्था को कायम रखा, उसका जो उसकी जो चुप्पी थी वो कायम रही, केप्ट क्वाइट. जैसे अगर मैं कहता हूं कि यार यू नो ही इज टॉकिंग, वो बातें कर रहा है, तो यहां पर टॉकिंग का मतलब है कि बातें चल रही है. और मैं यहां पर अचानक से बोल दूं कि अच्छी चिंता मत करो, कीप टॉकिंग, यानी कि बातें जो कर रहे हो चालू रखो करते रहो. ये है कंटिन्यूटी इन स्टेट. समझ में आ रहा है? ये ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं ना जो इंसान को नहीं पता होता है, इसलिए परेशान होता है. चल हाँ जी, तो मिक्स्ड कंडीशनल. अगर मैं एक पुलिस वाला होता तो कल उसकी मदद करता. मैं चित्र बनाता हूँ, चित्र बना लेता हूँ, ताकि ना समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. यहाँ पर एक सर, एक इन्वर्जन भी होता है सर, ये कंडीशनल का इन्वर्जन भी कुछ होता है. वो शुड वाला होता है, और हाँ हैड बीन वाला करा दूंगा इन्वर्जन होता है. यस सर, मतलब अच्छे लेवल पे मैंने देखा है लोग इन्वर्जन बोल के अपने आप को अच्छा साबित कर लेते हैं, तो वो भी है. एनीवेज, ये एक लड़का है, ये कहीं से भी पुलिस नहीं है, ये कॉप नहीं है, ठीक है ना, अभी कॉप है. और अचानक अभी कल एक घटना घट गई. कल घटना ये घटी कि भाई यहां पर एक लड़का था और उसको दो तीन लड़कों ने आकर पीट दिया, और ये यहीं पर बैठा हुआ था. ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया. अभी आज प्रेजेंट में तो पास्ट हो गया ना, घटना घट गई, अभी टुडे में आकर के कह रहा है यार अगर मैं एक पुलिस वाला होता ना तो मैं ना उन दोनों लड़कों को ना गिरफ्तार कर लेता वहीं पर. अब बताओ क्या बोलेगा ये? If I were a police, I would have arrested those boys, yes. both of them. क्योंकि ये कॉप ना अभी है ना तभी था, यानी कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है. तो इसके लिए जो ये इफ है ये सेकंड में जाएगा, कंडीशनल सेकंड. ये नहीं बोल सकता कि अगर इफ आई हैड बीन पुलिस,
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर। हैड बीन नहीं कह सकता, हैड बीन इंसान तब बोलता है कि अगर कल मैं बीमार नहीं होता, यानी कि कल बीमार था आज सही हो गया। लेकिन ये थोड़ी बोलेगा कि अगर मैं कल पुलिस वाला होता तो ये करता, भाई आज कौन सा तू पुलिस वाला है? नहीं तू है ही नहीं, ना तू था। तब आपको भैया सेकेंड लगाना है, और रिजल्ट तो इसका पास्ट का है, गिरफ्तार कर लेता मतलब पास्ट में कर लेता, उसको थर्ड में दिखाइए। तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, इफ आई वर पुलिस ऑफिसर, आई वुड हैव अरेस्टेड दोज बॉयज। हो गया, फाइन गाइस। चलिए अब आप लोग आपस में बातें कीजिए, पूछिए, क्योंकि आपका कोटा आज हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, कल पता नहीं कौन सा दिन है, क्या दिन है भाई? ट्यूसडे, वेडनेसडे। कल से भाई हम प्रैक्टिस चालू करेंगे, स्पीकिंग प्रैक्टिस। और इसके अंदर चूंकि मैं फीडबैक निकालूंगा, मैं कोई गलती नहीं चाहता हूं, तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होगा? स्टोरी टेलिंग। और ये स्टोरी टेलिंग ऐसे नहीं होगा, स्टोरी टेलिंग को आपको भैया डेकोरेट करना होगा, डेकोरेट। और डेकोरेट का मतलब है कि क्या क्या इसमें चाहिए? अच्छे अच्छे वर्ड्स, फ्रेजेस, एडवांस स्ट्रक्चर्स। आप कॉपी पे लिखेंगे और कॉपी के साथ बैठेंगे ताकि आप जानबूझ के यूज करें, तब आपको आदत हो जाएगी। और आपको कुछ चाहिए एडवांस्ड वोकैबुलरी, ये लेकर बैठना पड़ेगा, ये हम कल से करने वाले हैं। तो आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सर वो इन्वर्जन वाला, सर एक बार हैड वाला। ठीक है, इन्वर्जन देख लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? का मतलब ये होता है कि उल्टा, इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि इफ आई हैड नॉट बीन इल, अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं वहां गया होता, आई वुड हैव गॉन देयर। यहाँ पे लोग इफ नहीं, सर क्या ये सुन लीजिए, यहाँ इन्वर्जन थर्ड वाले में यूज होता है सर, कि सेकंड वाले में इन्वर्जन कर सकते हैं, सब यूज होता है। तो ये ऐसे होता है कि हैड आई नॉट बीन इल, ऐसे लोग बोलते हैं हैड आई नॉट, लाइक अ क्वेश्चन। हाँ, इसमें वो इफ लगाते ही नहीं, इसमें अपने आप इफ इफ आ गया। इसी में हैड आई नॉट बीन इल, I would have gone there. सर अब याद आया एक सेंटेंस आपने शायद दिया था, हेड हेड दो बारी आया था इसमें बिना इफ के। मैं एक हफ्ते तक परेशान था। ये है क्या? तो इसलिए तो इस तरह के ना, ये जैसे मैंने अनिल कपूर को बोलते हुए सुना है, कुछ लोगों के मुंह से सुना है मैंने, अच्छे लेवल पे लोग, अब जिसको जो आदत है भैया वो यूज करेगा। सर बिना इफ के दो हेड थे वहाँ पे, होता है। सर मेरे पास अगर मोबाइल होता तो ये क्या होगा सर? हैड आई हैड मोबाइल और हैड हैड आई मोबाइल। इसमें नहीं, खाली स्टेट ऑफ बीइंग वगैरह बनाते, कौन ऐसे बनाएगा हैड आई हैड मोबाइल? कोई नहीं बनाता, ऐसे बेकार की बात है। आप नॉर्मल बनाइए, इफ आई हैड हैड मोबाइल। सर मैंने तो अधिकांशता में एक ही हैड का प्रयोग देखा है, अभी तक जो बताया सब तो एक ही हैड का बताया है प्रयोग। अब वही है कि मैंने राम को देखा श्याम को नहीं देखा, तो ये गलती मेरी ना है। गलती देखने वाली है सर। नहीं सर, होता क्या है अगर कोई को कहो तो वो कहेगा कि तुम जानते ही नहीं हो, तो क्या वहाँ बुर्बक बनना जाए? बोलो कि आप सच कह रहे हो, बात सही है। वहाँ वही है कि इंसान बहस करने बैठेगा, हालांकि सच्चाई यही है कि दो हेड होता है पास्ट के लिए। क्या कर सकते, छोड़िए ना। कल भी मैं उस दिन कह तो रहा था कि मैं खुद कई बार सिंगल बोलता हूँ देखकर माहौल। हाँ कि सामने वाला भी कैसा है। अभी तक YouTube पे मैंने देखा है जितने भी अच्छे लेवल के टीचर है वो एक ही हेड का बताए हैं प्रयोग। नो सर, आई आल्सो लिसन टू हेड। होता है दो हेड होता है सर, म्यूट कर लो। जो ढूंढेगा उसको मिलेगा, जिन ढूंढा तिन पाइया। ठीक है, फाइन, लवली गाइस। सो शुरू करते हैं, आप लोग आपस में बोल बच्चन शुरू कीजिए।